हेलो गेमर्स वेलकम टू अप्र्रजी स्पोर्ट्स वी आर वन स्टॉप फॉर ऑल द गेमिंग एक्शन इन इंडिया अब आप सोच रहे होंगे हम करते क्या है हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं आपके फेवरेट गेम्स के BGMI Free Fire Valorant CSGO Godem Clash of Clans Mobile यू नेम इट इतने भी गेम्स आप खेलते हैं, हैं हैं हम ऑर्गेनाइज करवाते और गेम गेम के के साथ आते हैं। गेम से जुड़े हुए बड़े-बड़े प्लेयर्स, प्लेयर्स। जैसे कि सारे के सारे हमारे yes, इवेंट्स में आप लोग को दिखेंगे और अब इवेंट्स की बात हो चुकी है गेमिंग की बात हो चुकी है तो साथ साथ आती है प्रोडक्शन हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन इवेंट्स एंड डायनेमिक स्टूडियो ये सब कुछ ओनली एट आप स्पोर्ट अगर आप इंतजार कर रहे हैं आपकी गेमिंग जर्नी शुरू करने के लिए तो कम ज्वाइन फॉर ऑल योर गेमिंग जर्नी एंड लेट्स इन इंडिया अब आप सोच रहे होंगे हम करते क्या है हम टोर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं आपके फेवरेट गेम्स के बीजेमआई फ्री फायर

Highly skilled individuals, best in class technology, worldwide production events, and dynamic studio—ये सब कुछ only at APTRAZI Esports. So, अगर आप इंतजार कर रहे हैं, आपकी gaming journey शुरू करने के लिए, तो come join us for all your gaming journey and let's empower Esports in India together. Hello gamers, welcome to APTRAZI Esports. We are one stop for all the gaming action in India. अब आप सोच रहेंगे हम करते क्या हैं हम? टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं आपके फेवरेट गेम्स के BGMI, Free Fire, Valorant, CS:GO, Godem, Clash of Clans Mobile, यू नेम इट जितने भी गेम्स आप खेलते हैं हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं और गेम के साथ आते हैं गेम से जुड़े हुए बड़े-बड़े प्लेयर्स जैसे कि Mortal, Ghatak, Scout, Jonathan and many more सारे के सारे प्लेयर्स यस ऑफ कोर्स हमारे इवेंट्स में आप लोग को दिखेंगे और अब इवेंट्स की बात हो चुकी है गेमिंग की बात हो चुकी है तो साथ-साथ आती है प्रोडक्शन

टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं आपके फेवरेट गेम्स के BGMI, Free Fire, Valorant, CS:GO, God M, Clash of Clans Mobile, you name it. जितने भी गेम्स आप खेलते हैं हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं और गेम के साथ आते हैं गेम से जुड़े हुए बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे कि Mortal, Ghatak, Scout, Jonathan and many more. सारे के सारे प्लेयर्स Yes, of course, में आप लोग को दिखेंगे और अब इवेंट्स की, की बात हो चुकी है तो साथ साथ आती है events, ये कुछ so, अगर आप इंतजार कर रहे हैं आपकी गेमिंग जर्नी शुरू करने के लिए तो कम ज्वाइन एस फॉर ऑल योर गेमिंग जर्नी एंड लेट्स एमपावर इन इंडिया टूगेदर

Yes, of course, में आप लोग को दिखेंगे और अब इवेंट्स की बात हो चुकी है तो साथ साथ आती है, बेस्ट इन क्लास इवेंट्स, ये सब कुछ ओनली एट आप तर अगर आप इंतजार कर रहे हैं आपकी गेमिंग जर्नी शुरू करने के लिए तो कम ज्वाइन एस फॉर ऑल योर गेमिंग जर्नी एंड लेट्स एम्पावर इन इंडिया टूगेदर Gamers, in अब आप सोच रहे हम करते क्या है हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं आपके फेवरेट गेम्स के बीजेम आई फ्री Clash of Clans Mobile, प्लान मोबाइल यूनिमी जितने भी गेम्स आप खेलते हैं हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं और गेम के साथ आते हैं गेम से जुड़े हुए बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे कि मॉटल घातक के सारे प्लेयर yes, में आप लोग को दिखेंगे और अब इवेंट्स की बात हो चुकी है गेमिंग की बात हो चुकी है, है तो साथ-साथ आती प्रोडक्शन हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन इवेंट्स एंड तो अगर आप इंतजार कर रहे हैं आपकी गेमिंग जर्नी शुरू करने के लिए तो कम ज्वाइनस For all your gaming journey, and let's empower esports in India together. Hello, guys, welcome back. में आपका और मेरे साथ योर ओन, जो पिछले दो दिन से दिखाई दे रहे हैं गेम्स वाइटी गाइज पिछले दो दिन के मुकाबले बहुत ज्यादा एक्शन से भरे हुए थे बहुत सारे रेगुलर हर एक मैच में नए नए सरप्राइजेस देखने को मिल रहे थे लेकिन गाइज आज के दिन पे एक और सरप्राइज है इनफैक्ट आज के दिन पे दो सरप्राइजेस okay. दूसरे सेक्शन तो दे 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 में थोड़ा सा गेस कर दीजिए बिगेस्ट सरप्राइज एक ऐसा मोमेंट जिसके लिए हम दिन नहीं घंटे नहीं yes. हम महीनों से इंतजार yes. कर रहे थे वो आज के दिन पे होने वाला है गाइज Please comment section में बता दीजिए मैं काफी काफी बढ़िया के लिए देखिए दे दे की जो जर्नी रही यहाँ पर उन टीम्स के लिए स्पेशली काफी ज़्यादा मैं हूं। और काफी अच्छा लग रहा है जो टीम पहले दिन में आती है लाइक सत्रवे पायदान में वो टीम डे टू में उठकर टॉप में जाती सीधा, तो देखते हैं कि आज की कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी बट देखिए आज के दिन के शेड्यूल की हम बात करें, शुरुआत होगी रेंगल से देन हम बढ़ेंगे फिर मिरामार की वादियों की तरफ देन वापस से आएंगे रेंगल में फिर से मीरा मार देन रेंगल तो ये पांच मैचेस के जो एक्शन है लगातार आपको बैक टू बैक

Blind East Post, तो ये है, हमारी सारी की सारी की और कल कुछ ऐसी टीम्स भी नजर तो जो दो खेल, मतलब दो खिलाड़ी खेल रहे थे मैं बात करूंगा मतलब दो प्लेयर्स के बावजूद भी टू में आते हैं और ऑलमोस्ट हम कह सकते थे कि जहां पर हमें टीम एक्स पार्क का वो विना विन अच्छी देखने को मिला था तीसरे मैच में हो सकता था कि वहां पर वो डुवो ही लेके जा सकता था लेकिन क्या कम्बा की परफॉर्मेंस कल टी लेकर यहाँ पर देखने को मिलती नजर आती बट Insane, वो Guys, क्या आप देख हैं? कर सकते हैं सभी रिक्वेस्ट भी रहेगी कि यहाँ पर जो अनाउंसमेंट वगैरह जो भी ने बोला है यहाँ पर कल तो देखिए हिंट दिए दे थे आज वो हो सकता है अनाउंसमेंट भी देखने को मिल जाए बट मेक श्योर मेक श्योर जितने भी दर्शक यहाँ पर आ रहे हैं देखिए आप आते हैं स्ट्रीम में आप आते ही जैसे ही खोलते हैं आप को बगैर ना आप पूरा उसको वही मैक्सिमम स्क्रीन पे देखना स्टार्ट कर देते हैं तो सबसे रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन को मैक्सिमाइज की मिनिमाइज कीजिए लाइक कर दीजिए अपनी जो खुशी है बीच में आने की उसको जाहिर कीजिए लाइक करके और जो सपोर्ट आप दिखाना चाहते हैं जी अगर कुछ ऐसे ही सपोर्ट आप दिखा सकते हैं और मेक श्योर मेक श्योर सब यहाँ पर सब्सक्राइब तो आप करेंगे करेंगे

और आज के दिन ओ माई गॉड ओ गॉड सबसे ज्यादा मजेदार जो सिचुएशन हमें यहाँ बन रही है ना वो ये है कि हमारे स्क्रिम्स e के स्क्रिम्स के फुल ऑफ सरप्राइजेस बैक टू बैक कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल रहा है कुछ ना कुछ नया एक्साइटिंग देखने को मिल रहा है बट एट द सेम टाइम गाइज कमिंग बैक टू द सरप्राइज नंबर टू कल के दिन पे मैंने हिंट दिया था आप लोगों को अंडर hmm. डॉक्स की अपॉर्चुनिटीज के बारे में आज के दिन पे गाइज स्टे ट्यून्ड शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा आज के दिन पे 110 आपको एक पोटेंशियली एक go, बड़ी चीज दिखाऊंगा लेकिन चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते <laughs> हैं आज का मैच नंबर वन प्लेन पाथ हमारा स्टार्ट होता हुआ सिवनी से लेके मिलिट्री बेस एंड लुक एट द साइड ग्रीन गाइज वी हैव द फिनल फेरोशियस फियरलेस द मैन विद द वैल्यू क्लास एंड हार्डवर्क वी है चाहे आप किसी भी टीम के फैन हो जॉनी ओपी कर दीजिए चैट सेक्शन में बिकॉज दिस इज दिस्ट्री इन मेकिंग चले देखेंगे किस टीम के साथ अभी तक जैसे मेरे कल भी बात कर रहा था आज भी हम बात करे थे कि टीम गॉड लाइक यासना क्यों छोड़ चुके अपना प्राइमरी ड्रॉप अपने, अपने या जो रहता है आपका यहाँ पर हम बात करें रेंगल में कैसे क्यों छोड़े क्योंकि अभी तक उनका प्राइमरी ड्रॉप हर बार हॉस्पिटल ही बन रहा है यहाँ जो जो पर कंटेनर की तरफ जा रहे हैं जहां पर हर बार या तो कभी टीम पिंक टीम पंक या फिर आपको टीम तमिलास के साथ ही भेड़त हमें देखने को मिलती है बट देखते हैं कि आज जॉन के आगमन से उनके आने से किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कल भी एक इंपैक्ट गेम प्ले में देखने को मिला था जिसमें उन्होंने जो चौथा गेम है जहाँ पर उनका गोस्ट के साथ भेड़त यहाँ पर रही थी

फॉर श्योर sure, बचाना जरूरी है लेकिन क्या बचा पाएंगे और टीम गॉट लाइक की अगर पावर की बात करें डेफिनेटली दे कैन बट कभी कभार गेम्स से तो सिचुएशन आपके विपरीत होती है और सिचुएशन से लड़ना आपको स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ेगा वेदर यू वॉन्ट टू रिस्क इट

अनदर लेजेंडरी टीम पे टीम एक्सपाक फील द स्पाक

जो का दोनों के दोनों फिनिश हो चुके हैं देविको आयरन जूम के शट डाउन एज वेल पीछे नहीं देखा इमॉर्टल गेमर्स थे वहां पे और गॉडल नियो ah. नियो 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 भी है या देखिए नाइस देखिए आयरनस के साथ अभी दे रहे शायद थ्री थ्री प्लेस होंगे तो नियो ने बोला देखिए प्रैक्टिस तो नहीं छूटनी चाहिए चलिए मैं आयरनस का यहां पर साथ जरूर दे, दे दूंगा लेकिन अभी के लिए

बट एक गोल्डन एचपी में वो जो ऑलमोस्ट वो क्लच होने वाला था

के एरिया में नज़र आएंगे और चलिए अभी के लिए लूट कर रहे हैं ओपन में लूट किया अच्छी बात है बट देर स्टिल आर अ कपल ऑफ गुड गाइज ऑन दी अदर साइड एंड नाओ दर ऑल हेडिंग टूवर्ड्स आई बिलीव मे बी जॉर्ज बॉल की तरफ जा रहे हैं बट गाइज इन द मीन टाइम जब तक तो ये फाइट्स अभी हल्का सा पॉज लिया हुआ है आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज अगर आप लाइक करते हैं अच्छा लगता है हमें भी एज कासेस बड़ा अच्छा लगता है और आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइज बिकॉज ये एक्शन सिर्फ और सिर्फ अफरसोर्ट्स के थ्रू आप लोगों के लिए पॉसिबल हुआ है एंड साथ ही साथ गाइज बहुत सारी अनाउंसमेंट है तो आपको इंस्टाग्राम पे भी जाना पड़ेगा और इंस्टाग्राम को फॉलो करना पड़ेगा साथ साथ डिस्काउंट oh, पे भी आ जाइए ज्वाइन कर लीजिए हमें ताकि यू डोंट मिस एनी अनाउंसमेंट एंड ऑफ कोर्स अंडरडॉक्स के लिए जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी गाइस प्लीज जल्दी जल्दी जाइए फॉलो कर दीजिए इंस्टाग्राम पे वाई एम आई सेइंग दिस बिकॉज जितनी जल्दी ये न्यूज आएगी जितनी जल्दी अनाउंसमेंट होगी उतनी जल्दी स्लॉट्स फिल होने लग जाएंगे बट गाइज अनलिमिटेड स्लॉट किसी भी इवेंट में नहीं होते अनलिमिटेड स्लॉट कभी भी नहीं हो सकते तो लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स ही होंगे तो आपको यू हैव टू बी द फर्स्ट इन इनिशियल टीम्स जो पार्टिसिपेट करे रजिस्टर करे ताकि आप लोगों के शॉर्ट्स क्लियर हो सके आप लोगों के स्लॉट्स yeah. क्लियर हो सके तो प्लीज गाइस एंड एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज बी पेशेंट एंड से नो टू टॉक्सिसिटी इन द चैट सेक्शन। आई नो हम लोग गॉडल के फैंस हैं आई नो हम लोग एस uh, के फैंस हैं हम लोग और भी बहुत सारी टीम के फैंस हैं टीम एक्स की बात कर लीजिए बट लविंग अ टीम सपोर्टिंग अ टीम डज नॉट मीन हम किसी और टीम को हेट करें सामने वाली टीम को बिलिटल करें बिर करें प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट बी मेच्योर एवरी वन हमारा प्यारा गेम अभी अभी वापस आया है एंड आई एम ब्रिटिश श्योर हमारे से अंडरडॉग बहुत सारे देखने को मिलेंगे जल्दी तो आई डोंट वॉन्ट दिस गेम टू गो बैक अगेन सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरी वन वापस से एक्शन रिज्यूम करेंगे टीम एक्स पार्क तीन फ्रैग आ चुके हैं दिस वन मोर गाय लाइव जिसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है लेकिन नियो अभी मेरे जहन पे वो मोमेंट आ रहा है जहाँ पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो गोल्डन एचपी के साथ उन्होंने करके दिखा दिया था लेकिन वो जो कवर आता है वो जो बैकअप आता है मॉडल का

यहाँ पर लेकिन टीम पंख और टीम गॉड लाइक जो अभी भिड़त चल ही रही है यहाँ पर शुरुआत में ही मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा क्योंकि दोनों टीम को ना इस तरह से फायदा है नहीं क्लच गॉड तो देखिए ज्यादा कुछ यहाँ पर करके नहीं दिखा पाए रीजन क्या था वो उतरते हैं उनको तुरंत ही नॉकआउट किया गलती उनकी भी नहीं थी उनको क्या अंदाजा था कि सामने जैसे खिलाड़ी उतर जाएंगे उनके पास वेपन आ जाएगा कोई बात नहीं ये जो गुस्सा है

एंड ब्लाइंड स्पोर्ट्स ने भी बहुत अच्छा इंप्रेस किया पिछले दो दिनों में कल के दिन पे गॉड्स रेन का बोल वाला था मल्टीपल मैचेस में इतना अमेजिंग खेल के दिखाया था चार खिलाड़ी अब तक हमें नहीं पता कौन है वो खिलाड़ी जनता बेशक

को ग्रेनेट I... से टेक डाउन कर दिया बूम गोटाइन डायनामाइट डाउन कम्स द प्लेयर गॉड इज गॉट स्लोली स्लोली अप्रोचिंग करते हुए ही वांट्स टू सिक्योर द दैट ही टेकन डाउन स्पेक्सी की तरफ अल्ट्रॉन को भी स्पॉट कर लिया गया जीगो टोली टोली अप्रोच करते हुए अल्ट्रॉन की तरफ स्प्रे करने की कोशिश लॉन्च भी किया था बट जीगो डाउन होते हुए जोरथन विद द ग्रेनेड लेट्स सी जोरथन का ये ग्रेनेड कमाल करेगा या नहीं एट बिट मैडमैन सामने से आते हैं स्पेक्सी दोबारा डाउन होते हुए विद द ग्रेनेड अल्ट्रॉन इज लो बट जूसी एंड मैडमैन आर स्टिल अलाइव एंड किकिंग इट्स गोना बी अ 1v3 सिचुएशन जूसी कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड जोरथन हैज स्पॉटेड द गाय ही नोस ही हैज इट्स गोइंग टू गेन एंड शॉट करेक्ट हुआ है बट इट वाज नॉट रियली अ क्लोज कॉल बट एक और

वो फाइट जरूर ओवर हो गई है लेकिन हमारा गेम ओवर नहीं हुआ है जब धुआं होगा

वो डेडली वो हमें देखने को मिल पा रहा है पर आज तो ट्राई है तीसरा खिलाड़ी भी यहाँ आप पर आपके साथ मौजूद रहेगा वे मिला के ट्राई जरूर कर रहे हैं पीक एंड फायर करने की ट्राई कर रहे हैं कुछ अगर देखा जाए तो उनका ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर नॉकआउट करना जो अभी तक हुआ नहीं यहाँ पर थ्री बी थ्री का सिनेरियो

क्रिएट करा हुआ है जो रिजिस का जो उन्होंने पर एक अच्छा सा कवर लिया हुआ है एक बहुत बढ़िया थिंकिंग लेकिन एक और टीम एक और टीम यहाँ पर पड़ रही है उनके ऊपर सैंडविच में ना फंस जाए और टेन, कल भी यही हुआ था कल भी आप यहाँ पर सैंडविच में फंस गए थे और आपको एलिमिनेट आप लोग होते हुए नजर आए थे कौन सी ये टीम है उनके ऊपर भी नजर रह पर रहने वाली लेकिन इनसे क्या लग रहा है कि ये स्थिति बार बार बनना

जनता जनार्दन समझानती है और रैंग टैन को अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर करना है जनता को कुछ करना है तो एंगेज तो करना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट सिर्फ सर्वाइवल से कोई कुछ नहीं होने वाला सिर्फ सर्वाइवल से आपको लिमिटेड पांच पॉइंट दस पॉइंट आ जाएंगे लेकिन हर बार चिकन डिनर कर पाना पॉसिबल नहीं है और सिर्फ दस पॉइंट चलिए मान लेते हैं एक बार को मीनो हाईली अनलाइकली बट ओ हो गिर नॉक होते हुए ऐसे नहीं बट चलिए कमिंग बैक टू वट एवर सिंह बार बार आप चिकन डिनर नहीं निकाल सकते मान लीजिए पांच मैचेस है पांच के पांच मैचेस में भी आपने चिकन डिनर निकाल दिया पचास पॉइंट होंगे फ्रैक्स का क्या होगा फ्रैक्स इंगेज करना पड़ेगा नो मैटर व्हाट आपको इंगेज करना ही पड़ेगा बट जैसा मैंने कहा हर बार ऐसा होता नहीं है सो आपको फ्रैक्स के लिए फ्रैक पॉइंट्स में आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा अपना बेनिफिट पर इसी बीच ओके सैयद ने रेवनेंट को लिया है झटका और इसी बीच टीम तो भी डाउन होती हुई प्लेयर टू ओजी जी आश को टेक डाउन कर दिया गॉड्स रेन भी आ चुकी है चलिए नहीं नहीं ग्लैडिएटर्स ग्लैडिएटर्स माफी चाहूंगा ग्लैडिएटर्स एट बिट अभी अभी गॉड लाइक को फिनिश किया बट अभी फाइट आ रही है मल्टीपल टीम्स यहाँ पे इंगेज करने आ चुकी हैं ग्लैडिएटर्स आ चुकी है और आंग टर्न ऑलरेडी देयर एंड नाउ

उस डी को वॉच कर लिया मतलब उसकी गोल्डन एक्सपीरियस वो सर्वाइव यहां पर होते हैं लेकिन ग्लैडिएटर्स प्लेयर थ्री एंड पहाड़ी कर पाएंगे क्या मैनेज की नहीं क्योंकि तीसरी टीम भी अगर है आती है तो यही मौका है यही मौका है आप दो टीम्स को आप एलिमिनेट एक साथ यहाँ पर करके जा सकते हैं पर जहां तक लग रहा है कि औरंगटन ने थोड़ा सा पहले से ही ठान लिया कि हम इसको फाइट को अवॉइड करके चले या फिर इंतजार करें हमें सही वक्त का तब कुछ बात बन पाएगी और अभी के लिए दो ही खिलाड़ी टीम औरंगन की अभी भी सर्वाइव यहाँ पर कर रहे हैं लेकिन बाल नॉकआउट कंफर्म भी कर दी जाएंगे लेकिन सभी खिलाड़ी वापस से हो जाते हैं लेकिन लेकिन क्यों रही है रीजन क्या चल रहा? सर्कल आसपास ही बना हुआ है तो इसी अच्छा टीम का इस पहाड़ी माउंटेन की फाइट हम लेते रहेंगे लेकिन दूसरी रहे, संयम हो जाएंगे यहाँ पर नॉकआउट क्योंकि मल्टीपल फाइस अभी भी चल रही है दूसरी तरफ अभी को भी कर दिया गया है ड्रीम्स के द्वारा नॉकआउट वेज एंड दो ही खिलाड़ी बचे हुए हैं और अभी के लिए सर्कल को करना जरूरी है बट ओपनली सर्कल ओ, में जा नहीं सकते क्योंकि पीछे से आएंगे जी ग्लाडिएटर्स इतना आसानी से जाने नहीं देंगे और वहीं अगर बात दे करें गैलेक्सी की तो क्या स्प्रे था ड्रीम ने हाइड्रा जैक्सन को गाड़ी से नॉक कर दिया है और विक्की का रिवाइवल जरूरी है गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है ऑन द एज ऑफ द सर्कल दे आर होल्डिंग और इसी बीच फाइट में आए और अपने लिए चार फ्रैग निकाल लिए बट मैं कहूंगा मैडमैन को जो टेक डाउन किया ना वो अमेजिंग था क्योंकि दो तरफ से वार किया मैडमैन राइटे कंफर्म कर सकते थे mm -hmm. बट इसी बीच मैडमैन भले ही डाउन हो चुके हैं लेकिन एट बिट का स्क्वाड फाइट लेना नहीं भूलेगा

और ये ग्यारह टीम्स के बीच में जो वॉर चल रही है ना ये बड़ी अमेजिंग नज़र आ रही है ई स्पोर्ट्स e के भी कुछ समय पहले एम को टेक डाउन कर दिया था बट अभी भी कुछ प्लेयर्स सर्वाइव करते हुए लेकिन टॉप टॉक ने फ्यूर्स को टेक डाउन कर दिया रेवेनेंट की बात ही कर रहे थे तो यहाँ पे बीच में फाइट होती हुई एंड लेट्स सी एल ई नज़र आते हुए ब्लाइंड एस पावर यहाँ से स्प्रे करने की कोशिश करेंगे बट अभी के लिए स्काउटिंग करना ज़रूरी है और सामने से प्लेयर आते हुए बट चलिए आस के एनवायरमेंट का अभी के लिए देख रहे हैं बट जेली ने टेक डाउन किया बट क्लोज पॉसिबिलिटी में ओ एट बिट जूसी मिस कर दिया इस टाइम अब तक काफी अच्छा खेल रहे थे स्प्रेस कनेक्ट भी हो रहे थे फ्रैग भी निकल रहे थे बट ये वाला स्प्रे मिस कर दिया और फायदा उठा लिया यहां पे बट एलएसपी का स्क्वाड देखेंगे पैराडॉक्स डाउन होते हुए और क्यों भी पुश कर रहे हैं पे लेट्स सी सामने की तरफ निकमा गैलेक्सी का स्कॉड है लेकिन क्या ये कंफर्मेशन चलिए कन्फर्मेशन पूरा का पूरा आ चुका है और अब क्यों का इंतजार कर रहे हैं फटाफट से कवर के पीछे आए ताकि का रिवाइवल हो सके सर्कल के बाहर है लेकिन अभी एक मिनट का समय है इनफ टाइम टू स्टैंड अप

काफी टीम्स है देखिए यहां पर इनसे अभी भी दो से तीन खिलाड़ी सर्वाइव रेयर टीम होगी बहुत कम टीम होगी जिनके चारों खिलाड़ी यहाँ पर जिंदा हमें यहाँ पर नजर आ रहा हूँ फिलहाल तो चलिए इस पैसेज वी से कितना देर तक रहेगा पैसेज का भी उनके पास वो देखेंगे जरूर बट के लिए इस वो जैली क्या ही कम माल का लाइक एट बेट ने जिस तरह का गाज करा था गॉड लाइक को वहाँ पर एलिमिनेट करा था और भी टीम्स ने मल्टीपल फाइट लेते ओ आर जैली जैसे ही सामने आते हैं वो वन वी टू क्लेच बहुत ही शानदार था लाइक वो रिफ्लेक्स काफी कमाल का स्पेशली वो दूसरा खिलाड़ी जब उन्होंने इंस्टेंट उनको भी करा कर इतना करीबी मामला था वहां पर बट वो आर जा फिलहाल के लिए अभी भी सोलो सर्वाइव वहाँ पर कर रहे हैं टॉप एट तक आ चुके हैं टॉप फाइव तक अगर लेकर आ जाए तो क्या ही कहना तीन अंक तो एटलीस्ट वो अपनी टीम के लिए निकाल के ले ही जाएंगे यहाँ पर दल जीत चेकआउट जरूर करें और जी हाँ मैं जो सवाल रख रहा था कि बहुत रेयर टीम्स होगी जिनके पास वो चार खिलाड़ी अभी जिंदा हो तो जी हाँ उसमें पहला नाम हमारा टीम का कल ये टीम जिन्होंने जी हाँ, जी कहा डे नंबर वन देखा था उनको पता है बट और टीम ग्रेडिएटर्स की एक फाइट एक भिड़त हमें देखने को मिलती है नजर आ रही शायद हो सकता है कि एक मिड रेंज या फिर एक क्लोज रेंज फाइट चल रही है उनके परसपेक्टिव से भी हम जान पाएंगे बट जो टीम्स पहले से ही विराजमान है सर्कल के बीचों बीच स्पेशली देखिए वो एरिया जो है पूरा पैसेज जो है यहाँ पर एक डिप पैसेज बहुत बढ़िया वहाँ पर नजर आ रहे काफी देर तक बोल सकता है कोई टीम फाइट ना ही ले यहाँ पर लेकिन पर बहुत देर से मैं देख रहा था यहाँ पर उनको देख रहा था कि फाइट पर इन्वॉलमेंट मिले लेकिन फाइट जब पोरी है तो किस टीम के अगेंस्ट पे टीम एक्सपार्क जो अभी के लिए पोचिंग की में वाइपआउट करते आए थे टीम वीएसटी को आगे बढ़ते हैं इन्फिनिटी को भी यहाँ पर नॉकआउट कर देगा मुश्किल के घेरे में यहाँ पर अभी के लिए टीम एरिक सारंग को डैमेज जरूर मिला था ग्रेंड का लेकिन बचे हुए थे उस समय पर भी बट अभी के लिए सैया जाएंगे सुनिश्चित करेंगे एंड बाल बाल बचा है बट कोई टीम क्या थर्ड पार्टी करती है कि नहीं ऐसा लग रहा है कि मानो वो स्मोक जब तक है तब तक यहाँ पर उनकी सासे चलती साजर आएगी किस्मत ये भी रही कि अच्छा हुआ कि ये सर्कल का एक्सेस उनके पास बेशक नहीं है लेकिन समय उनके पास है एक मिनट का और यहां से वो निकल के चले ही जाएंगे पार्क, सिल दिया सभी खिलाड़ी यहां पर जीवित हो जाएंगे बट अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से सर्कल अप्रोच करें इनसे क्योंकि पांच टीम बची हुई है और कितनी टीम देखिए उनके ऊपर नजर साधी हुई है पहले से ही पांच टीम बची हुई है सोलह खिलाड़ी लेकिन टीम एक्स पार्क सारंग क्या बात है सारंग यहाँ पे चार फ्रैग्स पे खेल रहे हैं टीम वे टोटल नाइन फ्रैक्स कुछ और फ्रैग निकालने का मौका है बट सर्कल के अंदर जाना ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा गेम्स जो टॉप फाइव में आना इज टफ लेकिन टॉप फाइव से हास्टैग वन तक जाना इज इवन टफर लेकिन लाइट अब भी जीवित है छह फ्रैग्स हैं, मानिया भले ही फिनिश हो गए लेकिन नकुल जीवित है रोनी बार टीम खिलाड़ी अब भी मौजूद और सामने की तरफ दो खिलाड़ी नजर आते हुए टीम अनोन्स की बट

ब्लाइंड की निगाहें थी साथ ही साथ एल पी की भी निगाहें थी तो होना ही था ये तो और कितने करीब बैठ रखे थे स्मोक देखिए स्मोक के अंदर आप रहेंगे तो ग्रेनेड और मोल्टा तो आएगा ही आएगा लेकिन ग्रेनेड एक ग्रेनेड से दो झटके जो मिले हैं try जरूर बोलेंगे थोड़ा किस्मत साथ नहीं दी उनकी अदरवाइज हो सकता था कि पर वो टॉप थ्री तो आने ही वाले थे जिस तरीके से वो खेल रहे थे और चारों खिलाड़ी जीवित थे पर। कोई बात नहीं अभी और चार मुकाबले बचे हुए उन चार मुकाबलों में और भी वो अंक एकत्रित करके अपने आप को ऊपर वो लेकर जा सके बट चलिए फिलहाल के लिए हमारा फोकस रहेगा इन फाइट के ऊपर जो टॉप चार टीम हमारे हम बात करें टीम ब्लाइंड आपको नजर आ जाएगी

अब या तो ये नाम रहने वाला है एल e. का या वो नाम रहने वाला है पर टीम का एक नया चेहरा एक उभरता हुआ लाइनअप हम बोल सकते हैं कुछ नहीं पता कि कौन सी किसकी वो टीम है यहां पर कौन वो चार खिलाड़ी जस्ट लाइक टीम को गोस्ट्रियन गोस्ट्रियन क्या कर रही है, है? प्लेयर वन प्लेयर टू प्लेयर थी ऐसे ही नाम रख रही है तो यहां पर भी ग्लैडिएटर्स का देखने को मिल पा रहा है सेम सिनेरियोस बट फोर बी थ्री की फाइट है समय लेगा ये फाइट थोड़ा सा समय बट ये का एक एग्जाम्पल उन्होंने परेशानी कर रहे थे उससे भी और कितना भर रखा है स्टॉक उन्होंने बार बार मैं देख रहा हूँ चलिए अब एक टॉप एक ग्रेनेड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बट दूसरी तरफ से ग्लैडिएटर प्लेयर वन देख रहे की कई हलक सी झलकी भी मिल जाए यहाँ पर बट यहाँ से कोई प्लेयर रिस्क उठाता है तो शायद इस बैटर की आप उन घासों के अंदर चले जाइए थोड़ा सा दस मिनट ऑफ तो यहां पर बैठे क्राउच करके या फिर आकर आप प्रोन करके आगे बढ़ते तो शायद बन सकती थी बात बट अभी के लिए यही मौका है ग्लैडिएटर्स पढ़ जाइए और हवा बोल दीजिए यहां पर अपनी पहले के ऊपर देखिए अब तो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं वन वी थ्री की स्थिति बनती हुई का रिवाइवल लाइक इट इज नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट एंड राइट अवे क्योया को शट डाउन कर दिया गया है बट अनको और छुपे हुए हैं और अभी मॉली का इस्तेमाल करेंगे लेट्स सी मॉली का कुछ कमाल हो पाएगा या नहीं बट गाइज इन मीन टाइम आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दस हजार लाइक्स करवा दीजिए अभी इस मैच के अंत तक दस हजार लाइक्स प्लीज करवा दीजिए तो रिक्वेस्ट और अब डैमेज हुए एंड चिकन डिनर ऑफ आर अब थ्रा इनविटेशनल प्रेजेंटेशनल डे नंबर 3 मैच नंबर वन काफी शानदार चिकन डिनर देखने को मिला ग्लैडिएटर्स द्वारा मच नीडेड मच अवेटेड एंड You know, जोपोल के हमारे माउंटेन की जो फाइट थी वहां पे ग्लाडियेटर्स को जरूरत नहीं थी जाने की बट वो गए बिकॉज एंगेज करना जरूरी है फ्रैक लेना जरूरी है एंड अल्टीमेटली वहां से जो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है ना हर एक फाइट से हर एक फ्रैक से जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, है

हेलो गेमर्स वेलकम टू वी आर वन स्टॉप फॉर ऑल द गेमिंग एक्शन इन इंडिया अब आप सोच रहे होंगे हम करते क्या है हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं आपके फेवरेट गेम्स के BGMI, बीजेम आई फ्री फायर वेलोर क्लैश ऑफ क्लान मोबाइल यू जितने भी गेम्स आप खेलते हैं हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं और गेम के साथ आते हैं गेम से जुड़े हुए बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे कि Mortal, Ghatak, Scout, Jonathan एंड मेनी मोवी सारे के सारे प्लेयर्स। प्लेयर ये ऑफकोर्स इवेंट्स में आप लोग को दिखेंगे बेस्ट इन क्लास इवेंट्स, ये कुछ so, अगर आप इंतजार कर रहे हैं आपकी गेमिंग जर्नी शुरू करने के लिए तो कम ज्वाइन फॉर ऑल योर गेमिंग जर्नी टूगेदर

मेरा और गेमजो का नाम तो नीचे देख ही रहूंगा आप लोग और अब तक अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो थोड़ा सा प्यार हमें भी दिखा दीजिए एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोग स्पोर्ट्स को तो अपना प्यार दिखा ही रहे हैं बट आज के दिन पे गई शुरू से लेके एंड तक टिके रहिएगा बिकॉज आर सेवरल अनाउंसमेंट टू बी मेड बट अभी के लिए मैच नंबर वन की स्टैंडिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं गेम्सो प्लीज मार्गदर्शन कीजिए चौदह फ्रेकिंग फिनिशिंग चौबीस अंक पहले ही गेम से आज के दिन में ग्लैडिएटर्स ने यहाँ पर निकाल दी है एंड बाकी टीम को मैसेज दे दिया कि अब संभल के रहिएगा हमसे यहां पर टीम एल एफ भी काफी कंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं तेरह अंक उनके भी यहां पर सेम विद ब्लाइंड स्पोर्ट्स टीम एक्सपाक कल से ही अगर देखा जाए डे दे वन से ही मैं अगर बात करूँ फिनिशेस के भूखे वो नजर आ रहे हैं और निकाल भी रहे हैं यहाँ पर बट थोड़ा सा अगर और अंक वो पर यहाँ पर निकालेंगे अपने पोजीशन पॉइंट में तो क्या पता और भी अंक वो निकाल ले ले जाए यहाँ पर आगे आने वाले मैचेस में टीम अनोन ग्यारह टोटल अंक टीम एडमिट की बात की जाए पाँच अंक सेम विद टीम पंख ओ आर ई स्पोर्ट्स के चार टीम एच जी एक्स के चार है यहाँ पर टीम अवी के तीन कॉस्ट्रियन टीम एरिकमा फोर एवर सेवन सी टीम आर एस के दो दो अंक टीम गॉड लाइक -like, शुरुआती जो झटका यहाँ पर क्लच गॉड के रूप में लगा था शायद वहाँ से उबरती हुई नजर नहीं आ पाई थी लगा था कि उम्मीद जरूर जगेगी बट वो भी अधूरी रहेगी बट देखते हैं गॉड लाइक के ऊपर भी नज़र यहाँ पर रहेगी रहेगी लेकिन सामने और भी जो टीम्स है और टेन उम्मीदें उनसे भी बनी हुई है डे नंबर वन से अभी तक का जो परफॉर्मेंस जिसके लिए वो जानी जाती है नहीं आई बट देखते हैं, क्या रहता है आने वाले मैचेस का क्या रहेगा नजरिया बट अभी के लिए सीधा पढ़ते हमें आइडियल तो नहीं कहूंगा के लिए लंबा ग्लाइड करना पड़ेगा प्लेयर्स को एट द सेम टाइम एलपोजो रोइन लाकोबरेरिया की तरफ भी कुछ टीम्स को जाना पसंद है कल के दिन पे हमें कैंपो मिलिटार तेरे ब्रोंका के आसपास भी प्लेयर्स जाते हुए नजर आए थे तो फॉर श्योर को गाड़ियों का सहारा लेना पड़ेगा uh, really ड्रॉप ले रहे हैं और लाभनिता पे भी प्लेयर्स बट सैडली हमें वेलकम टू पिकार्डो देखने को नहीं मिलेगा बटी श्योर पिकार्डो में कोई और एक्शन तो हो होगा ही होगा बिकॉज इतनी सारी अमेजिंग टीम्स है पिछले मैच के विजेता एक मच डिजर्व विक्ट्री लेके गए हैं अपने साथ और जैक्सन नजर आते हुए वी कैन सी ओ आर वी कैन सी रेवन स्पोर्ट्स एट बेट सेवन सी टीम तमिलाज एल ई एफ पी यू नेम इट हर एक टीम yeah. अपने आप में बहुत शानदार लेकिन उससे भी शानदार है हमारा ये प्ले जोन सर्कल बनता हुआ पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट पे हमारा सर्कल जाता हुआ एंड ऑलमोस्ट अब से टेन परसेंट तो सर्कल हमारा बाहर ही है तो नाइन्टी परसेंट ऑफ द प्ले एरिया लेकिन जो टीम्स जैसे कि हमें नज़र आ रहे हैं निगमा गैलेक्सी का स्क्वाड ओ का, का टीम एक्स पार्क काजों की तरफ गए हैं तो इन्हें अगर सर्कल के अंदर जाना है तो बहुत सारी दिक्कतों को बाधाओं को पार करना पड़ेगा एंड हैवी को ग्रेवयार्ड के ऊपर हमें गॉडलाइक का स्क्वाड एंड साथ ही साथ गॉड्स रेन के भी कुछ खिलाड़ी मौजूद नजर आते हैं तो देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पे बाजी मारती है कल -like? कल हुआ था, देखे, कल भी हमें देखने को मिली थी वहां पर, तो चलिए उस समय तो गॉडस रेन ने बाजी मार दी थी लेकिन आज देखते हैं कि आज एक नया दिन है नया मैच है यहाँ पर तो देखेंगे कि इस बार क्या रहेगा इस बार गॉडल नियो भी आपको नजर आ रहे हैं जी हाँ और देखेंगे जरूर क्योंकि नियो जिस फॉर्म में नजर आ रहे हैं वी ऑल नो कि वो फॉर्म अभी के लिए जैक वन वन कोई भी सामने आ जाए हर बार नियो ही अपने नाम यहाँ पर करके जा रहे हैं फाइट को जीगौर क्लच गॉड और नियो आपका यहां पर साथ देंगे इस बार अभी के लिए और कोई भी नहीं चाहते कि इस बार गलती हुई गुंजाइश बिल्कुल नहीं चाहिए पिछली बार क्लच गॉड के जाने से हमें पता है कि बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठती नजर आई थी बट इस बार उनको इस मेरा मार से वापसी करनी है और बाकी टीम्स की अगर हम बात करते हैं ग्लैडिएटर्स कोशिश रहेगी कि बैक टू बैक यहाँ पर चिकन निकाल पाए और दूसरा हम बात करें तो जी हाँ सामने है आपके टीम सेवन सी खिलाड़ी जो पहले अगर हम बात करें मोस्टली ऑफ द टाइम जाते थे यहाँ पर पावर ग्रिड की तरफ बट सामने ने अभी के लिए उनको चैलेंज देने के लिए यहाँ पर टीम ट्वेंटी वन यानी टीम आपको प्रिंस शायद नजर आ रही है फिर टीम तमिलनाडु से एक बार जरूर हम देखना चाहेंगे क्योंकि स्लॉट ट्वेंटी वन की है, शायद जहाँ तक लग रहा है मुझे टीम नजर आ रही है जी हाँ वहां पर वो टीम तमिलास ही है जो उनके बिल्कुल सामने उनके चैलेंज जरूर देने वाली है बट दोनों टीम्स फिलहाल के लिए फोकस कर रही है अभी लूट के ऊपर बाकी जब एक अच्छा खासी लूटपाट हो जाए तब हो सकता है फाइट हमें देखने को मिल जाए और एक एक खिलाड़ी एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं जिम्मेदारी किस चीज की एक पोजिशन की एक एक प्लेयर्स की पोजिशन निकालने की और मैक्सिको देख भी रहे आप हर कोई खिलाड़ी यहाँ पर टीम तमिलास का टीपीपी लेकर ट्राई कर रहे हैं कि कहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन है और रूट तो अच्छी खासी मिल रही है यार जिसके पर्सपेक्टिव में बात करूं कैरी बहुत एक रिस्की मूव जरूर है लेकिन शायद उनको लग रहा है कोई थर्ड पार्टी खतरा नहीं इसी वजह से इतने ओपन में लेटे हुए हैं हम्म थर्ड पार्टी होना चाहिए थोड़ा सा होना चाहिए बट अभी के लिए स्लोली, स्लोली सीज़ को स्पॉट करके टेक डाउन कर दिया है कैरी भी टेक डाउट करते हुए और राइट कंफर्म भी करेंगे क्या बात है क्विक रिफ्लेक्स प्रिसाइस एक्यूरेसी और कैरी के खाते में हमारा पहला फ्रैग आता हुआ क्या बात है

वो क्लोजिंग कर रहे हैं स्प्रेगाट को भी शट डाउन कर दिया स्ट्राइकर द्वारा एंड टीम तमिलाज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट एक्सट्रीमली स्मूथ बहुत अच्छा खेल रहे हैं बहुत अच्छी शुरुआत है और इसी शुरुआत को कैरी रखेंगे तो शायद विनर विनर चिकन डिनर भी बहुत जल्दी आ जाएगा बट इसी के साथ गाइज दूसरा गेम भी हमारा शुरुआत हो चुकी है लेकिन मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गाइज प्लीज टॉक्सिसिटी मत कीजिए गेम में हम लोग जितने भी हैं सारे गेमर्स है, आप हम एवरी सिंगल गाय दैट इज वॉचिंग दैट इज एनी हाउ कंट्रीब्यूटिंग टू द गेम प्लीज़ कोई भी टॉक्सिसिटी मत कीजिए चार्ट में बिकॉज हम सब लोगों का गेम अभी अभी वापस आया है टॉक्सिसिटी अगर आप करेंगे तो इवेंचुअली इसके रिपिकॉशंस होंगे इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे दैट इज द रीजन प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट शो लव टू एवरी सिंगल गाय एवरी सिंगल प्लेयर अगर आप प्यार नहीं दिखा सकते तो प्लीज़ हेटरेड भी मत दिखाइए डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए yes. आप किसी भी टीम के फैंस अपनी टीम को सपोर्ट कीजिए दूसरी टीम को हेट मत कीजिए इट इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द साइड ऑफ अ फेलो गेमर मैं भी आप ही लोगों की तरह जैसे आप लोगों ने भी ई e स्पोर्ट्स में सपना देखा मैंने भी देखा था आप लोग होपफुली जनता हमारी जो कमेंट सेक्शन में है यहीं से कुछ बड़े प्लेयर्स निकल के आएंगे बहुत जल्दी दिस इज व्हाट वी आर होपिंग यही एक सोच के साथ सपने के साथ आप लोग भी चल रहे हैं हम लोग भी चल रहे हैं और ऐसे में अगर गेम में कोई रिप्रिकॉशंस आते हैं कॉन्सिक्वेंस hmm. आते हैं तो आई एम प्रिटिश श्योर आपको हमें किसी को अच्छा नहीं लगेगा तो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइस प्लीज भाई और बहनों जितने भी हैं टॉक्सिसिटी मत कीजिए गेम पे फोकस कीजिए गेम एंजॉय कीजिए क्लिप्स निकालिए एंजॉय कीजिए अपना गेम प्ले की क्लिप्स डालिए हमें टैग कीजिए विल ट्राई टू शेयर इट एज वेल लेकिन टॉक्सिसिटी मत कीजिए गाइस इट इज अ हार्ट फिल्ड रिक्वेस्ट टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू हर किसी को रिक्वेस्ट है प्लीज गाइज बिल्कुल एंड साथ साथ देखिए अपना जो यहाँ पर आप सपोर्ट दिखा रहे हैं लाइक के जरिए कर सकते हैं दस हज़ार लाइक अभी तक नहीं हुए गाइस जल्दी जल्दी कर दीजिएगा यहाँ पर एंड आई नो क्या वो जो टीम है वेलकम टू पिकार्डो काडो यहाँ पर मैं बात करूँ टीम सोलह अभी अवेलेबल जरूर नहीं है इस मैच में भी बट मैं चाहता हूँ कि अपकमिंग मैचेस में वो देखने को मिल जाए ताकि जो आप एक वो फाइट जो हम इंतजार कर रहे हैं कब से वो लास्ट टेन मंथ से अगर हम बात करें इंतजार कर रहे थे वो फाइट का होगी जरूर बट क्या वो आज का दिन होगा मैं चाहूँगा ज़रूर गाँव तो बने ही रहे ज़रूर रहेगा क्या पता तीसरे मैच में वो जो आपके जो ख्वाहिश है आपकी जो विशेज़ है वो पूरी होती नजर आ जाए अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि मानो हर टीम कोशिश कर रहे हैं कि फाइट को अवॉइड ही किया जाए अपने अपने डेडिकेटेड ड्रॉप लोकेशन की तरफ हो गए हैं लूट कर रहे हैं वहां से निकलेंगे जरूर एंड वी गो जिस अनाउंसमेंट का हम इंतजार कर रहे थे फाइनली एंड nice. इनसे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए इसको इसके बारे में गाइस जिस अनाउंसमेंट की बात कर रहे थे अंडरडॉक्स के लिए अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी अब तरह सी स्पोर्ट्स के क्रू वॉर Season number five is finally here, guys. कल के 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 दिन दिन में हमने बात की थी और आज के दिन पे आप आप लेके आ चुका है लोगों लिए फॉर ऑल थ्री थाउजेंड स्लॉट रेजिस्टर जल्दी जल्दी जाइए गाइज लिंक फैम हो चुका है कॉमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी जाइए बिकॉज स्लॉट्स बहुत जल्दी फिल हो जाएंगे उसके बाद शायद आपको कुछ समय तक वेट करना पड़े hmm. तो गाइस जल्दी जल्दी आ जाइए आप तरह से स्पोर्ट्स के इंस्टाग्राम पे डिस्कॉर्ट सर्वर पे रजिस्टर कर पे कर लीजिए इंस्टाग्राम पे फॉलो दीजिए क्रू वॉर पे भी हम आपको मिलेंगे एंड आई एम वहां से हमें बहुत अमेजिंग अंडरडॉग देखने को मिलेंगे एंड दिस इज योर चांस गाइज इन ऑर्डर टू एंटर द टी अगर आप लोगों को भी टी स्क्रिम्स में पार्टिसिपेट करना है अपनी स्पोर्ट्स e की जर्नी को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है सो यू गॉट अ पार्टिसिपेट ऑन अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी वन एंड अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी सिंगल गेमर एंड आई एम रियली होपिंग लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रू वॉर जहाँ पे हमें अमेजिंग अंडरडॉग देखने को मिलेंगी गेम्सों so, हमेशा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अंडर डॉग से जितने लोग मुझे जानते हैं आई नो बहुत कम लोग जानते हैं बट जितने लोग भी जानते हैं एवरीबडी नोज दैट आई हैव बीन एक्सटेंडिंग माई सपोर्ट टू ऑल दी अंडरडॉग्स चाहे कोई भी हो मैं कोशिश करता हूँ अब थोड़ा सीज पोस्ट कोशिश करता है तो गाइज़ आ जाइए इट इज़ अ रिक्वेस्ट जितने भी लोग हैं और अगर आप लोगों में से कोई दोस्त भी आपका हाँ। जो अभी ये चीज़ अनाउंसमेंट नहीं देख रहा है yes. उन्हें भी जल्दी जल्दी बता दीजिए लिंक शेयर कर दीजिए आ जाइए डिस्काउंट पर ताकि आप लोग थ्री स्लॉट्स में अपनी जगह बना सके वरना गाइज लास्ट टाइम का मैं बता देता हूँ पाँच हज़ार से ऊपर स्लॉट्स गए थे बट सैडली गाइज लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स ही होते हैं क्योंकि इतना बड़ा इवेंट को पूरा ऑर्गेनाइज करना सक्सेसफुली मैनेज कर पाना बहुत टफ होता है तो आई वुड रिक्वेस्ट जल्दी जल्दी रजिस्टर करवा लीजिए ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो इंतज़ार ना करना पड़े अपॉर्चुनिटी के लिए एंड अभी के लिए वी एस टी इंप्रेसिव स्क्वाड है ये भी बिल्कुल देखिए यही वक्त है मेरे ख्याल से यही वक्त है हमारे यहाँ अंडरडॉग से जो अब अप राइजिंग स्टार बन सकते हैं यहाँ पर रिकग्निशन पाने का यही मौका है एक प्लेटफॉर्म है जो आपको अब तरह प्रोवाइड कर रहे हैं तो बिल्कुल टाइम फॉर द रिकग्निशन एंड एस इन सेंड ये जो आप इस स्क्रूवर को खेलेंगे उनमें जो टॉप टीम्स होगी उसके बारे में सब कुछ आपको डिटेल हो सकता है वीडियो वगैरह भी यहाँ पर इनसे अब तो इसके द्वारा देखने को मिल जाएगा तो यहां पर जो भी टॉप टीम्स होगी उनको मौका मिलेगा ये जो इन्विटेशन आप देख रहे हैं इसमें मौका मिलेगा तो आप सब सकते हैं कि आपका जो सपना है आपकी फेवरेट टीम जिनसे आप सीखते हैं इंस्पायर होते हैं वो आपके सामने आ जाए तो कैसा रहेगा आपको बट चलिए अभी के लिए कौन से इनके सामने यहाँ पर चैलेंज आया है टीम अभी का रोकने के लिए देखिए पहला झटका तो यहाँ पर जरूर दे दिया बट नॉकआउट ही हुआ है कन्वर्जन नहीं आया यहाँ पर कंपाउंड से बाहर जाना पड़ेगा उस चीज के लिए बट दूसरा झटका बिल्कुल

जा सकते हैं बढ़ सकते हैं और ये फ्रैग जो है अपने आप अपने नाम यहाँ पर करके दिखा पाएंगे कोई दिक्कत कोई परेशानी आने नहीं वाली बट जैक्सन है वहाँ पर रैक का जरूर साथ वहाँ पर देते नजर आते हैं लेकिन जैक्सन यही मौका है एक बढ़िया ये जो फाइट है बेशक नंबर्स आपके बिल्कुल भी आप पर खिलाफ जा चुके हैं लेकिन क्या पता आपने अगर एक

इस बीच एक और जगह पर आ, देखने को मिलती हुई नजर आ रही है यहाँ पर फाइट काफी ओपन फाइट है पिछले गेम यहाँ पर अगर हम बात करें एल बहुत बढ़िया खेलती नजर आई थी ऐसे टू अगर लेकर के, के आ गई थी यहाँ पर सामने चैलेंज है टीम रेवन का ये भी कंसिस्टेंट टीम हमें डे वन डे टू में देखने को मिली है सैनसी की आई में ये टीम बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रही है देखिए हमें पता है कुछ खिलाड़ी जैसे हम बात करें फेयर्स उनके साथ बहुत समय से खेल रहे लेकिन कुछ नए जो चेहरे आए हैं यहाँ पर रेमिनट जैसे हम बात करें था। थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है लेकिन इतना मुझे पता है कि यह टीम और भी अपना बेस्ट जरूर देखती नजर आ जाएगी लेकिन दूसरा टीम की बात की जाए तो जैली यहाँ पर एक झटका खाते हुए जैली का नॉकआउट तो हो चुका है बट कंफर्मेशन ना निकले इस चीज का उनको यहाँ पर ध्यान देखना पड़ेगा लेकिन रेमिनेट एक और टीम के साथ अगली के लिए इन्वॉल्वमेंट क्या ले पाएगी नहीं फिलहाल के देखिए पहला नॉकआउट तो निकल चुके हैं यहाँ पर के रूप में आ, पहला नॉकआउट जरूर निकला लेकिन पैराडॉक्स भी पीछे से ग्रेनेड पुशिंग करना चाहते हैं और बार बार एलईएफपी वर्सेस रेवेनेंट ई स्पोर्ट देखने को मिल जाता है गेम्स और पिछले दो दिन से मैं ये चीज कर रहा हूं बट चलिए एमजे की तरफ लेफ्ट से

क्योंकि अब तो क्रूवर की अनाउंसमेंट भी आ चुकी है कल के दिन पे हम बात कर रहे थे आज के दिन में बट इसी बीच ग्लाडियर के प्लेयर थ्री को शट डाउन कर दिया गया है मल्टीपल टीम्स के बीच में होती भी। ग्लाडियर शट डाउन किया तो है बट एक प्लेयर अभी खड़े जेली को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि छत के ऊपर है और छत के ऊपर भी शॉर्ट आ सकते हैं जैक्सन भी सामने से आते हुए छत के ऊपर भी शॉर्ट्स आ सकते हैं जैक्सन को टेक डाउन करने के लिए रिटालिएट करना चाहते स्मोक वॉल बनानी पड़ेगी अभी के लिए क्योंकि यहाँ पे उठ भी नहीं सकते देवी को और दूसरा ग्रेनेड आया फियरलेस को डैमेज किया है बहुत ज्यादा एक और ग्रेनेड आएगा स्प्लैश डैमेज से दोनों खिलाड़ी जा सकते हैं यहाँ पे विस गॉड ने ड्रीम्स को टेक डाउन किया है एंड क्या बुरे फंसे हैं नीचे भी नहीं उतर सकते नीचे भी खिलाड़ी है और गॉजरिन है पीछे ग्लाडिएटर्स भी है

एक शॉट वहां पर इन था वो हेड का और निकाल दिया जाएगा उनका नॉकआउट बट अभी अभी भी और कुछ खिलाड़ी यहां पर बचे हुए हैं अभी क्या यहां से वो को कर, का रास्ता दिखाया की तरफ बढ़ेगी जैक्सन अभी भी अगर देखा जाए पहाड़ से ही कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर जो आखिरी उम्मीद है हाईड्रा जैक्सन यहाँ पर जो खेल रहे हैं उनकी टीम को यहाँ पर अभी रिस्पॉन्सिबिली की वो पूरी तरह से खेल रहे एंड वेट कर इंतजार करे बट जैक्सन

सुनिश्चित करेंगे बट का जो रोल है। लेकिन अब वक्त आ चुका है टीम को लेकर आप आगे बढ़ सकते मतलब फ्रैग्स भी निकाल रहे हैं टीम को सर्वाइव करके भी आगे निकाल रहे हैं और अब बारी है सर्कल में एंट्री करने की बट दूसरी छोटे हलचल जो हमें देखने को मिला यहाँ पर टीम ब्लाइड और टीम टीम की फाइट हो रही है कहीं ना कहीं देखिए मल्टीपल जगह पे फाइट होती हुई और इसी बीच मानिया का ग्रेनेड एंड दिया गया है बट चार खिलाड़ी टीम ब्लाइंड पिछले मैच में क्लोज काफी आए थे बट अफसोस कुछ खास कमाल नहीं कर पाए विना विना चिकन डिनर निकालना चाहते थे लेकिन निकाल नहीं पाए इसीलिए अभी कोशिश करेंगे और प्ले जोन से भी प्लेयर्स डाउन होते हुए ब्लाइंड मैन विद द ग्रेनेड एंड लकीन बचे हुए आ, थोड़ा सा गेस वर्क कर दीजिए चार्ट सेक्शन में और <laughs> गेस्ट वर्क चार्ट सेक्शन में नहीं तो इंस्टाग्राम डीएम पे कर दीजिए हमें बता दीजिए क्या लगता है आपको कौन है खिलाड़ी मैं तो नहीं जानता गेम्स में तो नहीं जानता मुझे पता है गेम्सों को भी नहीं पता तो गाइज आप लोग बता दीजिए हमें बट फिलहाल के लिए ब्लू जोन में निकल पाना मुश्किल है क्योंकि सामने खिलाड़ी है और ये फाइट दोनों के लिए दोनों के लिए देखिए एक तरफ तरफ है है दूसरी देखिये बट इसी बीच सारंग की गाड़ी पलटती हुई गिरती पड़ती जा रही है लेकिन अभी भी सेफ है सारंग को बनाएंगे और ब्लाइंड नकुल काफी डिस्टेंस स्प्रे देने की कोशिश कर रहे हैं फोरकिंग आदित्य भी अभी ट्राई ब्लाइट है सारंग एंड सैयद ओपी दोनों के दोनों खिलाड़ी आए हैं पास लेकिन उसी बीच पुकार आदित्य अब ब्लाइंड स्पोर्ट्स के ऊपर हमला बोलना चाहते हैं बट वेलकम करेंगे पुकार का टेक डाउन कर दिया आदित्य रिवाइवल करने जाएंगे बट राइट वे

बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सारंग आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं लेट्स सी हाव फॉर लॉन्ग सारंग वुड गो फ्रॉम सिचुएशन टीम ब्लाइंड लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम

पिला रही है यहाँ पर जी हाँ और दोस्तों एक बार आप लोगों से सबसे दरख्वास्त है लाइक कर दीजिए गाइस पंद्रह हजार लाइक हो रहे हैं बीस हजार लाइक कर दीजिए ब्लाइंड के इतने अच्छे क्लचेस देख रहे हैं ब्लाइंड के नाम पे कर दीजिए फटाफट से ठोक दो बट थोड़ा सा सॉफ्टली प्लीज थोड़ा सा, सा हो, हो चुके एक बार लाइक गोल बता दीजिए बीस हजार है अभी इस मैच के अंत तक का हमारा बीस हजार का लाइव गोल लाइक्स गोल है तो कर दीजिए प्लेजोन से बेचारा गिल डाउन होते हुए यार जब ऐसी चीजें होती है ना गिल के साथ तो मुझे लगता है उन्होंने ना सही अपना सूटेड नाम रखा बिचारा गिल प्लेजोन से डाउन हो रहे हैं और सर्कल के अंदर देखिए बड़ा सर्कल बनता हुआ सोमराज की स्प्रे करने की कोशिश की थी नकुल ने लेकिन नकुल का स्प्रे अभी के लिए तो कामयाब होता हुआ नहीं नजर आया एट बिट का स्क्वाड भी धुआं धुआं करके बनाया हुआ है अपने लिए लेकिन पीछे से यहाँ से जॉनथन देखिए करके बैठे

ब्लाइंड से ही बना हुआ है टीम वॉर लाइक आ तो जरूर चुके हैं सर्कल के अंदर लेकिन जो खतरा टीम ब्लाइंड ई से बना हुआ है शायद यहाँ से उभरना बहुत जरूरी रहेगा अभी के लिए जॉनथन को रिवाइवल बहुत मुश्किल सा टास्क नजर आ रहा है मुझे शायद जॉनथन का रिवाइवल क्रूशल है जरूरी है रिस्क लेंगे धीरे धीरे जॉनी की तरफ बढ़ रहे हैं ब्लू जोन भी आता हुआ इट सीम्स लाइक जॉनथन का रिवाइवल हो नहीं पाएगा बिकॉज डी गॉड को भी शट कर दिया है टीम गॉड लाइक स्टार्टेड टू गेट डोमिनेटेड न्यू एंड क्लच गॉड बचे हुए लेकिन न्यू पे भी शॉट्स आते हुए बेयर मिनिमम बचते हुए मात्र एक क्लास को अभी भी सरवाइव करते हुए स्प्रे देने की कोशिश कर रहे हैं बट नियो का यहाँ पे रिवाइवल पॉसिबल नहीं है ब्लाइंड के ऊपर तीन खिलाड़ियों को सर्ट डाउन कर दिया गया है कुछ देर और सर्वाइवल हो जाएगा क्लच गॉड का बट अकेले खिलाड़ी प्रेशर बहुत ज्यादा है और मानिया अब तक ग्रेनेड से चटका रहे थे खिलाड़ियों को अब मानिया को भी ग्रेनेड का मजा चखा दिया है टीम वीएसटी ने जी के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश यहां से भी नजर आती हुई और के तरफ क्लच गॉट ग्रेनेड पॉप कर रहे हैं लेकिन कुछ खास फायदा नहीं है लेकिन जी जी। की तरफ स्लोली स्लोली करते हुए फाइट होती भी बन भी वन इमोडल गेम ए के ओपी एंड टोज टू द लॉबी बट इमोडल गेमर्स को भी टेक डाउन किया टॉक्सिक मावी ने ओके मल्टीपल फाइट्स मल्टीपल कॉर्नर्स मल्टीपल प्लेस बट One goal. That is winner -winner chicken dinner. आप ये देखे जाने जाते हैं यहाँ पर मावी आप बोल सकते कि जोन जहां जाएगा मावी वहां पर आपको देखेगा तो जी हाँ अभी के लिए सर्कल के अंदर मेरे ख्याल से दो ही टीम है एक तो टीम यहाँ पर मावी वीकेंड से इट्स टीम अनोन फॉर नाउ बट टीम यही मौका है कि इतनी मल्टीपल फाइल जो आप यहाँ पर ले रहे हैं अब मौका है आपके पास फ्रैक्स को भी यहाँ पर इंक्रीमेंट इसमें इजाफा लेने का लेकिन टीम नंबर नाइनटीन आज पंख मुझे नजर नहीं आ रही आप एक नाम बदल के मुझे पता नहीं है लेकिन पंख यही मौका है टीम पंख यही मौका है इतना बढ़िया जो आपको आगाज मिला है

सिर्फ बताइए जरा और डिटेल में गाइज नब्बे हजार इंस्टाग्राम फॉलोअर पे दस रॉयल पास होगा और साथ ही साथ दस हमारे वन हंड्रेड के पे भी एक लाख पे भी आपको दस यानी कि बीस

प्रे मिस करते हुए लेकिन निंजा बॉय नहीं करेंगे

हर प्लेयर की पोजीशन का आइडिया है और इतने सारे फ्रैग्स निकाल दिए क्या बात है मजा आ गया टीम ब्लाइंड की परफॉर्मेंस मतलब तो नीचे कूद रहे उनको पता है कि खतरा है क्योंकि नीचे गए वापस उठेंगे तब तक उनके हाथ में वेपन रहे ना रहे लेकिन उनको ये कॉन्फिडेंस था कि एचपी बहुत कम है उस खिलाड़ी की डीवीएस के साथ मतलब तो ऊपर से खिलाड़ी उतर रहा है वो भी डीवीएस शॉट के तो वो भी एक शॉट इनफ था वहां पर उसको खत्म करने के लिए <laughs> बट बाकी टीम्स थोड़ा सा बुरा जरूर लगा यहाँ पर टीम बनने के लिए बट अच्छा ये लगा कि एटलीस्ट वो टॉप टू तक यहाँ पर अपना सफर टॉप थ्री तक अपना सफर यहाँ पर तय करते हुए नजर आए राइज लेकिन ये फाइट तो चली चल रही थी टीम ब्लाइंड में लेकर आई लेकिन उससे पहले जो हमें एक खुशखबरी जो देखने को मिली अनाउंसमेंट आज दो, के दो, दो, आज जो दिन है ना मतलब लगातार अगर एक बार वो स्क्रीन हमें मिल जाए यहाँ पर जी हाँ इसी की हम बात करते हो चुके हैं नब्बे अगर आप फॉलोअर अगर आप लेकर मतलब करवा देते हैं अभी देखिए लगभग 86 चल रहे होंगे जहां तक मुझे मेरा मानना है अभी जो ब्रेक का समय है यूटिलाइज कीजिए जाइए इंस्टाग्राम पे आप थोड़ा सा इसको सर्च कीजिए दस रॉयल पास वहां पर गिव अवे किए जाएंगे उसके बाद अगर एक लाख कर दिया तो वहां पर एडिशनल और मतलब ट्वेंटी रॉयल पास

डिस्कॉर्ड में यहाँ रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी है जाइएगा और अपने दोस्तों को भी बताएगा उनको बोलिए स्ट्रीम भी कीजिए और साथ साथ बाद में जो डिटेल्स हम बार बार प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिटेल्स भी आपको मिलती रहेगी यहाँ से बट अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक की तरफ रुक करेंगे ब्रेक के बाद वापस से हाजिर होते हैं हमारे एक और एक्शन एक भरे मुकाबले की तरफ बाकी कोई डाउट हो कर सकते हैं आप हमें बुला सकते हैं बट अभी के लिए छोटा सा ब्रेक दो मुकाबले गो हमने बहुत अमेजिंग बहुत ज्यादा अमेजिंग बट अब मैच नंबर थ्री की बारी है

थोड़ा बहुत हमने देखा कि फाइट्स को इतना ज़्यादा इमुवमेंट लिया नहीं क्योंकि जिस जिस डायरेक्शन से गुजर रही थी फाइट वहां पर हो नहीं रही थी कोई टीम्स वहां पर दिखाई नहीं दे रही थी लेकिन लास्ट सर्कल में जब पहुंचती है फाइट लेती है बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा मल्टीपल टीम्स के साथ कोलिजन उनका हो रहा था गॉडसन के आठ अंक और आठ के आठ जो है अंक वो फ्रैक के ही द्वारा देखने को मिले हैं ओ के यहाँ पर सात सेम विथ टीम रेविनेंट टीम वेस्टी के चार अंक है टीम आईनेस के चार टीम तमिलास के भी चार अंक है टीम एनिव फ्रेवर ग्लैडिएटर टीम अवी के दो दो अंक एट बिट ओ आर के एक एक

रेवनड के हत्ते फंस गए और वहां पे एमजे तो एक अलग ही अंदाज़ में नज़र आ रहे हैं जब भी हम एमजे को देखते हैं मारते हुए नजर आते हैं और वही चीज़ हमने इस मैच में भी विटनेस की थी बट गाइज ये तो ओवरऑल हमारी पिक्चर रही सेकेंड मैच की बट अब मैच नंबर थ्री वापस से हमारा इरांगल का मैप आने वाला है और इरांगल के मैप की बात करें तो होम ग्राउंड फॉर ऑल द गेमर्स यहाँ बैटल ना एक अलग ही अंदाज में होती है गेम्स वो तो क्योंकि हर एक पत्थर से हर एक कवर से हर एक डिप से हर एक रिज से हर चीज से वाकिफ़ है हमारे सारे के सारे प्लेयर्स नॉट जस्ट आर प्रोफेशनल प्लेयर्स बट मुझे लगता है हमारी जो चैट सेक्शन में जनता है ना वो भी हर एक चीज़ से वाकिफ होगी उन्होंने भी यू you नो know, बहुत ज्यादा ग्राइंड किया है और अब उनकी ग्राइंड को एक फ्रूटफुल ग्राइंड में कन्वर्ट करने के लिए अब तरफ स्पोर्ट्स ने क्रूवॉर भी अनाउंस कर दिया है गाइज मैं एक बार दोबारा बताना चाहूंगा आपको क्रूवॉर्स के बारे में अगर आप लोग क्रू वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं और विन करते हैं तो आपको yeah. चांस मिलेगा गाइज हमारे बड़े अच्छे स्क्रिम्स इन्विटेशनल स्क्रिम्स में पार्टिसिपेट करने का जो भी टीम वहाँ पे एक्सेल करेगी एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप अपनी फेवरेट चैंपियन टीम्स के अगेंस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट फिलहाल के लिए प्लेन पाथ की बात करें फिर से लेकर सिवनी की तरफ जाता हुआ हमारा प्लेन पाथ स्ट्रेट लाइन प्लेन पाथ जो भी यात्री नोवो रिप्नोए मिल्टा मिल्टा पावर लिपोव का के एरिया में जाना पसंद करते हैं उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है लेकिन इसी बीच गाइज आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट चाहता हूँ लाइक्स का गोल हमारा थर्टी थाउजेंड है इस मैच के अंत तक और साथ ही साथ गाइज सिर्फ और सिर्फ पाँच हज़ार प्लस लाइक करने इस मैच के एंड तक आप लोग प्लीज थ्री एट्टी थाउजेंड का हमारा सब्सक्राइबर का गोल है प्लीज हेल्प अस हिट दैट गोल थ्री एट्टी थाउजेंड का कर दीजिए गोल हिट बाकी सरप्राइज अनाउंसमेंट तो आप लोगों के लिए कर ही दिए तो आई थिंक इतना सा प्यार तो हम लोग डिजर्व करते ही हैं और साथ ही साथ चैट सेक्शन में कृपया अपना प्यार बनाए रखें और टॉक्सिसिटी नहीं कीजिए मैं देख रहा हूँ बहुत सारी जनता है बहुत सारे जनता में हमारे भाई लोग हैं बहुत ज़्यादा मेच्योर है जो अच्छी बातें लिख रहे हैं कि टॉक्सिसिटी नहीं करनी चाहिए चाहे आप किसी भी टीम के फ़ैंस हो प्लीज़ गाइज यही चीज़ को मेंटेन करिए एंड वी आर रीडिंग ऑल योर कॉमेंट्स बट प्लीज uh, ऐसा ना हो कि हमें इवेंचुअली जाके गेम में कुछ कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़े बट mm सर्कल -hmm. आइडियल एकदम परफेक्ट सर्कल बना हुआ है गेम जो बिल्कुल अभी के लिए फिर से चैलेंज रहेगा फिर से वही चैलेंज हमें देखने को मिलेगा टीम पंक वर्सेस टीम लाइक बहुत ही समीप उतरे हैं अगर आप देखें हॉस्पिटल रीजन की तरफ टीम पंक लेकिन इस बार ध्यान रखना कि वो पिछली बार की तरह रैंगल में जिस तरह के एंगल क्रिएट हुए थे जहाँ पर क्लच कार्ड शुरुआती में ही डाउन होते नजर आए थे इस बार वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करना चाहेंगे देखेंगे इस बार का आगाज किस प्रकार रहेगा लेकिन टीम यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टीम एक्सपाक और साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वी एस टी की भी तो कोशिश रहेगी यहाँ पर कि फाइट वहां पर देखी जाए देखिए अभी टीम गॉड लाइक आसपास कोई चैलेंज तो नजर आ नहीं रहा है तो अभी के लिए तो सेफ एंड साउंड नजर आएंगे बट तो चलिए थोड़े से डिस्टेंस में है अभी अगर मिनी मैप में नजर डालें तो इतने नजर नहीं आ रहे बट तो यस ऑफ कोर्स देयर इज डेफिनेटली अ गुड चैलेंज अराउंड द कॉर्नर बट फिलहाल के लिए गमला बॉय इस बार सारे को टेक करते हैं लेकिन सैयद सैयद ओपी सही समय पे आए और टेक डाउन कर दिया है बदला लेना चाहते हैं सारंग को बचाना चाहते हैं और बचा भी लेंगे लेकिन मौली से जल रहे हैं ओ, ओ सोमराज का स्प्रे सैयद और सारंग को टेकडाउन कर दिया है सारंग का रिवाइवल हो रहा था सैयद आग पे चल के सारंग को बचाने आए थे लेकिन अभी के लिए तो नुकसान होता हुआ रुस्तम यहाँ पे टेक डाउन किया है सीक्रेट जीरो फोर को चलिए पहला फ्रैग तो इन्होंने निकाल लिया दूसरा फ्रैक निकाल लिया है बट दूसरी तरफ सारंग शहीद हो चुके हैं सैयद को भी बचाना पड़ेगा लेकिन बचा पाएंगे या नहीं गमला बॉय नज़र आते हुए ग्रेनेड आते हैं और ग्रेनेड पोषण करेंगे सैयद का भी कन्फर्मेशन आता हुआ लेकिन अभी ग्रेनेड का कुछ काम नहीं हो पाएगा कमाल नहीं देख पाएंगे दूसरी तरफ

चार्ट सेक्शन में स्पैम कर दीजिए फटाफट से बता दीजिए और ढूंढ रहे हैं कुछ लोगों को बट दोनों तरफ उस तरफ डीबीएस है इस तरफ भी शॉटगन है दोनों तरफ देखते हैं कौन कितना कमाल करता है और फटाफट से आदित्य को हील करना पड़ेगा लेकिन कमला भाई भी लेफ्ट साइड से पीक करने की कोशिश कर रहे हैं पो शॉट लगाने की कोशिश गाइस चैट सेक्शन में बता दीजिए यार बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट है ये माउस चलता हुआ और आदित्य के पास हीलिंग्स की भी थोड़ी सी कमी नजर आ रही है मुझे है है ही नहीं नहीं है। तो आप देखते हैं क्या गमला भाई कुछ कमाल कर पाएंगे जिसका भी पहला शॉट लगा देखिए दोनों तरफ शॉर्ट गन है बट इसी बीच यहाँ पे तो इतनी इंटरेस्टिंग फाइट चल रही है लेकिन गाइज चैट सेक्शन में जितनी भी हमारी जनता है इंस्टाग्राम पे आ जाइए नाइनटी थाउजेंड फॉलोअर्स पे दस रॉयल पास है साथ ही साथ वन लाख फॉलोअर्स पे दस रॉयल पास और है बीस रॉयल पास चैट सेक्शन वाले जितने भी हैं इंस्टाग्राम पे आ जाइए और वापस से जल्दी जल्दी फॉलो करके आ जाइए यहाँ पे बिकॉज ये इंटरेस्टिंग फाइट मिस नहीं कीजिएगा गमला बॉय फुल ऑन अदर साइड वी हैव कौन निकालेगा ये बैटल गाइज आप लोग इंस्टाग्राम पे जो नहीं गए हैं जल्दी जल्दी जाके आइए फॉलो कर दीजिए क्या पता आप रॉयल पास जीत पाए जल्दी जल्दी बट <laughs> ये कुछ अलग ही फाइट चल रही है गेम तो। कुछ तो आ जाए कुछ तो मैं उनके पास फेमास भी जरूर है लेकिन उसमें ना वेपन उसमें मतलब बुलेट्स नजर नहीं आ रही शायद इसी वजह से यही रीजन है बट कोशिश है कि इस क्लोज रेंज है तो शॉर्ट का ही वो इस्तेमाल जरूर करेंगे और सामने भी आपको वो शॉर्ट गन मिल जाएगी यहाँ पर लेकिन गमला बॉय ग्रेनेड का सहारा एक ग्रेनेड है जरूर यहां पर बट वापस से कैंसिल कर दिया शायद कैंसिल करने की बजाय कोशिश कीजिए क्या पता गमला बॉय उसका स्प्लैश डैमेज अच्छा खासा आप देते नजर आए अब देखिए बार बार वो आगे पीछे इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर ताकि उनके माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करे कि वो बाहर निकल गए हैं सीढ़ी से बढ़ रहे हैं बाहर निकल सीढ़ी से बढ़ गए लेकिन अब मेरे ख्याल से कमिट करेगा अब वो देख लेंगे आगे की तरफ बढ़ेगी बट ग्रेनेट अभी भी फेंका नहीं गया ग्रेनेड फेंकते शायद वो बाहर आ सकते थे बट ये फाइट गाइस किसके नाम आप अपना प्रेडिक्शन रख सकते हैं क्या वो यहाँ पर टीम एक्सपाक रहेगी क्या

और एक और फ्रैग है ये फाइट बड़ी लंबी चलती हुई बहुत ज्यादा लंबी चल रही है कैटन माउस चलता हुआ आप लोग बताइए रिजल्ट आपको क्या लगता है कौन गमला के पास एच ज्यादा है बट आदित्य के पास थोड़ा सा कम एच है तो एचपी का चलिए वो भी रिगेन करते हुए पट्टिया सब ढूंढ ढूंढ के समय लगाया पट्टिया ढूंढ लिया लेकिन ग्रेनेड का भी कुछ कमाल नहीं हो पाया और ग्रेनेड का कमाल अभी तो देखने को मिला नहीं लेकिन गाइज आप लोग प्लीज अपने प्यार का कमाल दिखा दीजिए अपना सपोर्ट दिखा दीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए यूट्यूब पे सब्सक्राइबर काउंट थ्री लैक एटी थाउजेंड का सब्सक्राइबर काउंट इस मैच के अंत तक करना है लाइक yes. गोल like हमारा थर्टी थाउजेंड का है एंड आई नो आप लोग कर सकते हैं सब लोग अगर आप सपोर्ट करें तो ये नंबर्स बहुत छोटे हैं गमला बॉय चलिए गमला बॉय फायर देने की कोशिश कर रहे हैं बट <laughs> ये फाइट थोड़ी सी लंबी जाती हुई हो

लगाई चैट में आकर हम देखना चाहेंगे कौन कौन से व्यूअर्स यहाँ पर आ रखे हैं। बट अभी के लिए चलिए वो फाइट तो अब करेंगे हम थोड़ी देर के लिए अवॉइड क्योंकि रही है कुछ भी होकर जाए मतलब प्लेस आके जाने की इच्छा जाहिर ही नहीं कर रहे बट

वो है आपका क्रू वॉर जी आप थोड़ा सीस्पो प्रेजेंट स्क्रू वॉर सीजन नंबर फाइव ओपन फॉर ऑल है तीन हजार स्लॉट्स गाइस यहां पर लिमिटेड रखे गए हैं एंड रजिस्ट्रेशन कहां से होगा डिस्कॉर्ड से डिस्कॉर्ड का लिंक कहां मिलेगा वो है पिन कमेंट पे पिन कमेंट में नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन में आपको यहां पर परमानेंट जो डिस्कॉर्ड जॉइनिंग लिंक है आ जा गाइस, लेकिन ये जो आप जो फॉलो कर रहे हैं जितने भी सोशल हैंडल्स हैं यहाँ पर सब में आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि सपोर्ट मिल सके शूटिंग रेंज पूरा खाली है सेवन ही पूरा खाली है मेरे ख्याल से सदर ईस्टर्न की तरफ ही ज़्यादा क्लस्टर है और अभी तो काफ़ी टीम ऐसी भी है

बच गए बेचारा गिल अभी के लिए बेचारा गिल नहीं बेचारा गिल नहीं लकी गिल कह लीजिए क्योंकि इतना शानदार स्प्रे था बट अनफॉर्चुनेटली कनेक्शन नहीं मिल पाया थोड़ा सा मिस कर दिया स्प्रे को देखिए अब कनेक्शन की बात नहीं क्योंकि देखिए बैक ऑपिनियन सीट है चलिए उसको एक्सप्रेन जरूर करेंगे यहाँ पर लेकिन अब कैसे बचेंगे आप यहाँ पर टीम आर एस एक एक करके सभी खिलाड़ी को जोकर के ऊपर पूरा तरह ने टैग कर मतलब बता दिया है वहाँ पर पोजीशन के बारे में बता दिया लेकिन पीछे से अगर आप देखिए टीम अभी के जैक्सन मुझे नजर आ रहा है और पिछले गेम में जैक्सन ने अकेले दम पे बहुत टीम को परेशान करा तो उससे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा लेकिन जोकर वेके अवेलेबल था तो चले जाएंगे एन एक करके जो तीन खिलाड़ी जो साथी गवाए हैं अपने उनको तो देखिए वापस से तो ले लौटा नहीं आ सकते वो तो अगले गेम में ही देखने को मिलेंगे बट जोकर के पास अब ये है ये क्षमता है कि वो सोलो सरवाइव करा सकते हैं और फिलहाल के लिए जोनाथन पीछे निकल चुके हैं बढ़ चुके हैं पर लेकिन संभल के रहना पड़ेगा रुके हैं अपनी गाड़ी को बट अभी भी आगे बढ़ सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं लेकिन जोनाथन को पता कि अगर वो नॉकआउट हो गए जोकर उनको इंस्टेंट फिनिश ही करके मारेंगे यहाँ पर बिल्कुल सही कहा देखिए नियो तो फिनिश हो चुके हैं तीन खाते में तीन फ्रैग आ चुके हैं वो स्प्रे थोड़ा सा खराब रहा था एंड uh, जनता बिल्कुल ना खुश होगी बट फिलहाल जी गॉट क्लोज इन करेंगे एंड आयना जोकर को कन्फर्म करेंगे चलिए एक और फ्राइक आता हुआ जी गॉट के खाते में लेकिन प्रेशर अभी भी बराबर है टीम के ऊपर परफॉर्मेंस का जनता का और टीम्स का बट uh...

लाइक like करना है स्क्रीन को फिर आराम से आप फुल स्क्रीन करके देखिए या फिर आपको चैट कर करके आपको अपने टीम को सपोर्ट करना है चैट भी करनी है मैच में एंजॉय करना है वो आप, आपकी मर्जी है लेकिन लाइक तो एटलीस्ट कर दीजिएगा क्योंकि मैं काफी व्यूअर्स को देखता हूँ आते हैं सपोर्ट कर जाते हैं चैट में लेकिन लाइक नहीं करते लाइक जरूर कीजिएगा दिल से बुरा लगता है आप चाहते हैं इतना बढ़िया देखिए इतना बढ़िया जो गेम है जो सभी के दिलों पे राज करता है अगर मैं स्पेशली अगर बैटल रॉयल की बात करूं जी आप बीच में आए वो आ चुका है तो उसको जाहिर करने को प्यार जाहिर करने के लाइक तो बनता ही है सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा पर चलिए फाइट की तरफ भी बात नजर रहेगी साथ ही साथ क्योंकि फाइट नहीं हो तो थो 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 तो थोड़ा बहुत देखिए आपको याद दिलाना पड़ता ही पड़ता है लेकिन जब फाइट होती है तो हम भी भूल जाते हैं क्या चल रहा है लेकिन आप अपनी तरफ से ही लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉलो भी जरूर कर दीजिएगा ताकि आप वो जो रॉयल पास है देखिए हमारे पास डीएम आते रहते हैं इनसे आप में और मैं तो मतलब डीएम भरे होते कि रॉयल पास दे दीजिए रॉयल पास दे दीजिए हमने यही बोला था रॉयल पास आ जाएंगे आप फ्रो

गलती से नॉकआउट कर दिया और एक एक करके शायद थोड़ी देर पहले अगर भी इस को बचाने के लिए आ जाते तो ये चारों खिलाड़ी सर्वाइव यहाँ पर कर रहे होते बट दूसरी तरफ

बहुत दूर तक की जर्नी है लेकिन प्लेयर्स और और भी बहुत सारे खिलाड़ी को चलिए कर दिया गया है, कोई बात नहीं, It's a very good thing, sometimes चलते रहना चाहिए इस तरीके के बैंटर प्लेयर्स के बीच में चलते हैं like है। वहां पे भी, चलती भी। लेकिन यहाँ पे गॉड लालच कर रहे हैं ओपन में दूर से स्प्रे लगा रहे हैं कनेक्शन मिलता

टीम अभी उनको इस तरह से रंगे हाथ पकड़ेगी और इंस्टेंटली बाहर का रास्ता भी दिखा देखिए गॉड लाइक ने फिनिशेस डोंट नो कितने वहां पर निकाले शायद मेरे ख्याल से एक या दो ही रंगे तो ज्यादा अंक इस गेम से लेके नहीं गए बट अभी भी आज के दिन में दो गेम बचे हुए एंड वी ऑल नो कल भी कुछ ऐसे फेस करी थी गॉड लाइक कुछ एक ऐसा मैच आता है जहां पर वो अच्छे खास से अंक निकालते फोर्टीन तो आपके लगभग बीस अंक तो एक ही गेम से यहाँ पर निकालते थे तो कह सकते हैं कि गॉड लाइक के पास मौका जरूर रहेगा बट थोड़ा सा आपस में बातचीत करनी पड़ेगी बट चलिए एनिग्मा ओपी फिलहाल के लिए बातचीत करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर एम बॉट से

आ जाइए थर्टी थाउजेंड लाइक हिट कर दीजिए साथ ही साथ सब्सक्राइबर काउंट थ्री एटी थाउजेंड का होना है हमारा तो प्लीज़ आई नो आप सब लोग बहुत शानदार अमेजिंग लोग हैं और आप लोग करवा भी देंगे प्लीज़ करवा दीजिए जल्दी जल्दी जल्द, अच्छा लगेगा हमें एज कास्टर्स भी और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर गेवे के बारे में आपको पता चल ही चुका है नाइन्टी थाउजेंड फॉलोअर्स पे दस रॉयल पास हंड्रेड थाउजेंड यानी कि वन लाख पे आपको दस रॉयल पास और मिलेंगे तो आप अपने लिए अपने दोस्तों के लिए भी, भी विन कर सकते हैं

तो अपना प्यार हमें भी दिखाएं कुछ भी फीडबैक है इंस्टाग्राम पे आप रीच आउट कर सकते हैं मुझे गेम्सों को आप अपनी तरफ से कुछ इन्फो प्रोवाइड करनी है चाहे आप हमें कास्टिंग के लिए कुछ भी फीडबैक दे सकते हैं प्लीज फील फ्री टू तो गिव अस फीडबैक ऑन इंस्टाग्राम और अभी के लिए मैं यही कहूंगा गाइस अब तक आप लोगों ने अपना सपोर्ट प्यार बैन पीरियड बनाया था फाइनली हमारा yes. दिल के करीब गेम बी जी माई इज नॉट जस्ट अ गेम इट्स एन इमोशन और ये फाइनली बैटल ग्राउंड वापस आ गया है एंड आई एम रियली होपिंग कि अब अपॉर्चुनिटीज और बेहतर बनेगी थैंक यू तो अफ्तर सी स्पोर्ट्स जो अंडरडोव के लिए

एलिफ जो सुनिश्चित करेगी पर आखिरी खिलाड़ी को निकालेगी अगर बचा सकते है, ये टीम काफी कबाल की नजर आ रही है क्योंकि थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है नाम नहीं ले रही है कुछ देर पहले जो टीम बेस्ट एफर्ट दिखा रही होती है वो अगले ही पल थर्ड पार्टी या फिर किसी भी टीम का शिकार बन जाती है ये ट्रेंड हमें आज दिन में देखने को मिला कितनी टीम्स के साथ हुआ है एट बिट ने भी इतना बेहतर पर दिया था देखिए इस गेम में सर्वाइव कर लेकिन मैं पहले मैच की पर बात करूं जब एट बिट ने इतना बढ़िया आगाज करा था लेकिन फिर वो एक एलिमिनेशन का शिकार बना सडन शॉकिंग एग्जिट हमें उनका देखने को मिलता है बट इस बार ना हो इस चीज का उनको ध्यान रखना पड़ेगा लेकिन सामने है टीम रेमिनेंट अभी भी वो ओपनिंग फ्रैंक की यहाँ पर दास्ता कब खुलेगी सामने सेवन सी का एक चैलेंज है काफी बेहतरीन एक फाइट लेकिन लेकिन उनके जस्ट ही अगर मैं सौ मीटर की दूरी पर देखूं तो एक और टीम मुझे नजर आ रही है कौन सी वो टीम्स रहेगी एक बार जरूर देखना जरूर हम चाहेंगे यहाँ पर एरियल एर व्यू से भी अगर देखने को मिले बट ओआर मैक पर को करेंगे इसी बीच यहाँ पर नॉकआउट और कितने ज्यादा स्मोक्स है मतलब पूरा एक कौन है वो बोरी भर के जो स्मोक्स लेकर आ रखे अपने पास

इनके खाते में है सर्कल अभी के लिए इनको फेवर करता हुआ बट रोजोक के राइट साइड पे जो हमारा सर्कल जाएगा वहां पे अच्छी खासी फाइट होगी और

बाहर नहीं निकलना चाहते लेकिन अगर हम बात करें टीम ओवरी स्पोर्ट्स की पिछले दो गेम उतने बेहतर नहीं गए थे कोशिश है कि इस गेम से वापसी यहां से करके दिखा पाए बेशक मेरा मार में वापसी नहीं हुई इरेंगल में क्या पता हो जाए वापसी लेकिन थोड़ा सतर्क थोड़ा सतर्क रही है सेवन सिक्स की एक भी ग्रेड अगर बाहर की तरफ इस तरह से गिरता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा डैमेज भी बहुत ज्यादा ही डैमेज देता है और अभी के लिए अच्छा बोल सकते हैं यहाँ पर अभी अच्छा कन्वर्जन किया जरूर जा सकता है बट कुछ कुछ टीम ऐसी नंबर थोड़े से कम है जी मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपकी टीम पंकी शुरुआत में ही देखिए टीम गोडलगे के साथ अपनी भेड़ जरूर लेते हैं उसके बाद फाइट को अवॉर्ड कर वो भी दूसरी डायरेक्शन की तरफ बढ़ गए थे टीम गोडलगे भी दूसरे डायरेक्शन की तरफ चली गई थी टीम एक्स की तरफ से जो सोलो सर्वाइवर आदित्य कि उन्होंने एक वन वी वन वी बैटल वहाँ पर दर्ज करी थी। अब वो वो कोशिश कर रहे किंग कि का टाइटल तो अभी भी उनके पास जरूर बना हुआ है, लेकिन यहां से वो कैसे बाहर आएंगे? और ऊपर से इतना रास्ता रोकने के लिए इतने सारे खिलाड़ी मौजूद है दोनों को तो निकाल सकते हैं गन आ जाए कि उनके लगभग रिलोड पे आ गए थे और दूसरे गन जब तक वो स्विच कर पाते तब तक काफी देर वहां पर हो चुकी थी लेकिन अभी भी एक उम्मीद के साथ अपोलो कोशिश करेंगे सेंसे को रिवावल मिल चुका है यहाँ पर जो अटैक आया था उस कंपाउंड की तरफ रोकने के लिए क्या सफिशियंट रहेगा अभी के लिए देखिए पूरे धावा बोला गया पूरी तरीके से यहाँ पर उनकी तरफ बढ़ रखे हैं और यही मौका है मेरे ख्याल से अगर मौका दे देंगे अगर वो चांस दे देंगे यहां पर उनको फिलअप करने का फिर खैर नहीं पर काफी मुश्किलें पड़ जाएगी बट अपोलो के सामने इतने ज्यादा डीपीएस से एक एक प्लेयर को चुन चुन के वहां पर मारा जा रहा है

अनसेफ हैं धीरे-धीरे स्मोक वॉल बना के सर्कल के अंदर जाना चाहते हैं बट वहाँ पे भी वेलकम करने के लिए हमें कुछ स्क्वाड नजर आते हुए इमोर्टल गेमर्स की तरफ स्प्रे करने की कोशिश की थी बट इमोर्टल गेमर नहीं ओआर जेली का निशाना लगा देते पे टीम एक्स पार्क एलिमिनेट होती हुई कुड नॉट फील द स्पार्क इन दिस वन बट आदित्य बहुत शानदार जो पुचिंगकी की बैटल थी देर से ही खत्म हुई लेकिन आदित्य ने फाइनली जो मैं तो यही कहूँगा आज की तारीख में टीम एक्स पार्क की बात करें तो बहुत ज्यादा बेहतरीन खेल रही है बी भी बहुत अच्छी स्क्वाड है लेकिन कहीं ना कहीं पोचिंकी में जाके जो बैटल होती है ना टीम एक्स पार्क के साथ वहां पे वी का मैन काउंट कम हो जाता है या काफी बार हमने देखा वी एलिमिनेट होती हुई नजर आती है सो दे माई टू वन रिकनसिडर ड्रॉप ऑप्शन जाइए लूट कीजिए और निकल लीजिए अगर चीजें आपके हाथ में नहीं आ रही हैं बट देन अगेन इट्स ऑल अबाउट द कंपटीशन कभी आप हारते हैं कभी आप जीतते हैं एंड दैट इज द ई द्स स्पिरिट और ग्लाडिएटर्स की बात करें पहला दिन आज के दिन का पहला मुकाबला बहुत अच्छा खेला था पहले दो दिन में प्लेइंग गुड बट आज के दिन पे और बेहतरीन खेल रहे हैं लेकिन अब इस मुकाबले में वापस से कम बैक कर रहे गेम्स अब तक खाता नहीं खुला है लेकिन चार के चार खिलाड़ी जीवित है सो दे हैव अ गुड एडवांटेज बस अब इन्हें थोड़ा सा और सतर्क होके खेलना पड़ेगा क्योंकि अब सर्कल बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है ब्रीदिंग स्पेस की कमी है hmm. एंट्री लेना ही बहुत ज़्यादा खतरे से बड़ा काम है यहाँ पे अब देखते हैं क्या रहेगा पर एंट्री किस तरह से ली जाएगी कि अभी भी 135 आखिरी 10 सेकंड बचे हैं, वकील है बट अगर वो अच्छी हालत में है तो उसको लेके जाइए अदरवाइज नहीं है तो फिर आपकी खैर नहीं फिर तो काफी मुश्किल रहेगा स्प्रे गॉड वो पीक करने का ना एक गलत डिसीजन हल्की भी देखिए जिस स्थिति में वो है जिस जगह पर वो है ना उनको हल्का सा भी रिपीक आएगा हल्का सा पिक्सल भी अपोनेंट को देखेगा वो इंस्टेंटली नॉकआउट किया जाती है बट बार बार रिपीक ना किया जाए हेलमेट भी देखिए उनके अच्छे हेल्थ के साथ वहां पर नजर नहीं है लेकिन टीम गैडिएटर्स आ चुकी है स्लैमिन दे चुकी है पोजिशन के बारे में बिल्कुल भी शायद कुछ अंदाजा यहाँ पर नहीं हुआ लेकिन दूसरी तरफ से जो टीम थी स्लैमिन करने के रास्ते आई थी चुकी है

कई नीचे की तरफ एक गोल्डन एचपी का स्प्रे गॉड बट बहुत बड़ा एक गलत डिसीजन हील कर सकते थे खुद को हील कर लेते फिर फाइट के लिए जाते क्योंकि उनके साथ ही पहाड़ी के पास सफिशेंट वक्त था वो धीरे धीरे ब्लीड आउट जरूर कर रहे थे पर चलिए पहली बार गाइस इस अपथ्रस इनविटेशनल स्क्रीम्स में अगर हम मैं बात करूं तो वन वी वन वी वन सिचुएशन हर टीम से एक एक खिलाड़ी जीवित आपको नजर आ रहे कौन कौन सी वो टीम्स हैं सबसे पहला नाम आपको ओ आर स्पोर्ट्स मिल जाएगा दूसरा नाम आपको टीम पंख की तरफ से इमोटर मिल जाएगा और जो तीसरा नाम है वो आपको उस कंपाउंड में

वही अभी के लिए सक्सेसफुली कर दिया बट इमोटल गेमर्स कमिंग इन विद द ग्रेनेड जेली की बात करें स्लोली स्लोली ब्लू जोन का डैमेज भी इनकर कर रहे हैं हील करते करते आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है स्मोक वॉल से बाहर निकलेंगे जैसे ही वैसे ही टेक डाउन कर दिए जाएंगे बट अभी के लिए ध्यान नहीं है स्प्रे गॉट का तो एटलीस्ट नहीं है वॉन्ट टू सी वट इज़ हैपनिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ इमोटल गेमर्स एज वेल लेफ्ट साइड पे मॉली करने का इस्तेमाल करेंगे लेकिन इसी के साथ जेली कुड नॉट सर्वाइव द ब्लू जोन दैट इज वाई ही गॉट एलिमिनेटेड लेकिन स्प्रे गॉट अब इमोटल गेमर्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे कौन सी टीम निकालेगी विनर विनर चिकन डिनर अब तक बहुत अच्छा खेल रही है टीम सेवन बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें ये ग्रेनेड कुछ कमाल कर पाएगा या नहीं ओ बगीना होती तो शायद थोड़ा सा और डैमेज देखने को मिल सकता था बट इसी बीच स्प्रे गॉड हल्का सा राइट की तरफ गए अब वापस से सेंटर की तरफ मूव करना चाहते हैं इमोटल गेमर के पास अभी कवर है दैट इज वाई ही डजेंट वॉन्ट टू कम अगेंस्ट दी कवर और कवर से बाहर निकलेंगे तो शायद स्प्रे गॉड के विजन में आ जाए और उसके बाद जो भी सबसे पहला शॉट लेगा मुझे लगता है वही टीम जीतेगी टफ सिचुएशन यहाँ पे तीन फ्रैक्स है दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ग्यारह फ्रैक्स हैं और वन वी वन की स्थिति गाइस कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कौन लगता है आपको जो जीतेगा यहाँ पे स्प्रिगॉट का एक अच्छा ग्रेनेड और इमोडल गेमर्स लॉबी से बाहर हो जाएंगे बट यहाँ से भी मॉली का इस्तेमाल करते हुए लेट्स सी क्या ये मॉली लगी है नहीं अभी के लिए तो स्प्रिगॉट को लगी नहीं है लेकिन एटलीस्ट राइट साइड पर मूव करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत देंगे लेकिन काफ़ी ज्यादा दूर है मॉली अभी के लिए स्प्रे गॉर्ड से स्प्रे अभी हल्का सा घास का कवर है

अभी भी मॉडल गेमर्स जीवित है स्टिल ही हैं, हैं, लेकिन शॉर्ट्स एक्सचेंज नहीं कर रहे क्योंकि इन्हें पता है जैसे ही खड़े होंगे सामने वाले को पोजीशन मिल जाएगी और दिक्कत हो सकती है बीच राइट से, दीरे दीरे अपनी जगह बनाना चाहते हैं बट स्प्रे गॉड अब इंतजार और नहीं करेंगे मॉडल गेमर्स करने की कोशिश वहां से भी गॉड बहुत ज्यादा हो गया था बहुत हुआ सम्मान जोन का ग्राउंड का ओपोनेंट का अब लेके जाएंगे स्प्रे गॉड विनर विनर चिकन डिनर फाइनली इंतजार नहीं करना चाहते थे और ज्यादा नहीं कहाती है मॉडल की वहां पर क्या गलती रही कि जब सर्कल के अंदर आ ही रहे तो आपने वो सोर्स बता दिया अपना जब था था उन्होंने देख लिया से से वो निकला इसी वजह देखा कोई और हलचल नहीं हो रही वहां पर कुछ ज्यादा देखा जाए तो हल्की सी हलचल उनको मिली थी हो सकता है पिक्सल विक्सल वगैरह कुछ डार्क स्पॉट वहाँ पर दिख गए हो इसीलिए आगे बढ़ते हैं और इतने कॉन्फिडेंट थे इंसेन की वो आगे बढ़ते हैं खड़े होते हैं आप बात कर रहे थे कोई प्लेस ऊपर नहीं आएगा सब स्नेक मोड में रहेंगे लेकिन जी नहीं जब आपको कॉन्फिडेंस वो आपको पता है कि वो हाँ, तो जब location. तक रिएक्ट कर पाएंगे, जब प्ले समझ पाएंगे ये क्या कर रहा है ये तो बढ़के उनके ऊपर चढ़ के आ रहा है लगा पड़ा है क्या करेंगे और मुझे लग रहा है कि रिटेलिशन अगर आ जाता तो बेहतर रहता बट चलिए 7C के स्प्रे गॉड सुनिश्चित करेंगे कि ये विनर विनर चिकन उनके ही टीम के पास जाए और आया भी यहां पर लेकिन गाइस तीन मुकाबले समाप्त हो चुके हैं

तो हम एक छोटा सा ब्रेक वापस से हाजिर होते हैं फिर हम

अब बढ़िया देखिए कमाल दिखाया है उसका इंपैक्ट कैसा है स्टैंडिंग्स में वो यहाँ पर हम देख लेते हैं बारह फ्रिज के साथ बाईस अंक टोटल यहाँ पर निकाले मतलब आज जितने भी चिकन निकले हैं पहले मैच में चौदह फ्रेज दूसरे मैच में पंद्रह फ्रेज तीसरे मैच में बारह फ्रिज तो मतलब ट्वेंटी पॉइंट तो हर कोई निकाल ही रहे थे और चलते हैं बाकी टीम्स की भी यहाँ पर परफॉर्मेंस देख लेते हैं टीम अभी चौदह अंकों के साथ दूसरे स्थान पर टीम ओवर स्पोर्ट्स के बारह अंक टीम पंक फिर से देखिए टीम पंक कहीं ना कहीं आठ नौ आठ नौ ऐसा ऐसा चल रहा है उनका तीसरा ही गेम था जिसमें वो नौ अंकों के साथ नजर आए ग्लैडियर के यहाँ पर आठ अंक पांच स्थान पर टीम एवर के छह के स्पोर्ट्स के तीन तीन अंक रेवन और टीम एलई के दो अंक एट बिट एट बिट गोल और टेन एंड आई एन एस की हम बात करें तो उनके एक एक अंक है और हम बात करिए टीम अनोर और टीम तमिलास की तो वो एक भी अंक यहाँ से हासिल करते हुए नजर नहीं है तो ये साइस हमारा ओवरऑल मैच नंबर थ्री तक का स्टैंडिंग्स गाइस ओवरऑल नहीं है खाली स्टैंडिंग्स है ओवरऑल के लिए जैसे हमने बार बार आपको बात कर रहे हैं कि अगर ओवरऑल अगर आप चाहते हैं देखना तो मैच जैसे ही हमारा जा हमारा स्टीम खत्म हुआ आप जा सकते हैं तुरंत ही कहाँ पर अब तरह से स्पोर्ट्स के इंस्टाग्राम हैंडल पे वहाँ पर आपको कई पोस्ट के माध्यम से और स्टोरी के माध्यम से ओवरऑल स्टैंडिंग्स भी देखने को मिल जाएगी बाकी आप भी कैलकुलेट करते रहिए मुझे पता है कि आप जो आपकी फेवरेट टीम आ रही होती है ना तो आप कैलकुलेट करते रहते तो हमें भी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन के माध्यम से ताकि और भी जो व्यूअर्स है वो जान पाए बट सीधा चलते हैं अब हम चौथे गेम की तरफ जो हमारा मिरामार का यहाँ पर रहेगा आज के दिन का मेरा मार ये आखिरी है इसके बाद गाइस एक और मुकाबला रहेगा लेकिन वो रहेगा एरेंगल का बट अभी तक जितने भी हमें फ्लाइट पर देखने को मिले हैं या तो वो कॉर्नर ओरिएंटेड है या तो वो बिल्कुल सेंटर के नजदीक से कोशिश यहाँ पर मतलब अभी तक कंप्लीट वो सेंटर वो देखने को मिला नहीं यहाँ पर बट सीधा अभी फ्लाइट पाथ की तरफ जाकर जाकर ये खत्म होगा लाकोब्रिया चुम्मा सेरा यहाँ जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अर्ली अर्ली मेरे ख्याल से ना अर्ली ग्लाइड भी करेंगे तो शायद पहुंच नहीं पाएंगे इट्स बेटर कि आप वेकल पिकअप कर लीजिए और अगर दिख भी रहा है तो वेहकल पिक करके मेरे ख्याल से अपने साथियों को पिक करके आप हो सकता है कि दूसरे ड्रॉप की तरफ भी आप रवाना हो सकते हैं अच्छे खासे है। देखिए अभी के लिए तो सबसे पहले अपने मेन ड्रॉप पे जाना जरूरी है बट at the same time कुछ टीम्स के सेकेंडरी ड्रॉप्स भी होते हैं गेम्सो yeah. तो शायद हमें सेकेंडरी ड्रॉप्स देखने को मिल सकते हैं वही अगर हम बात करें तो ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स e फिर तो परासियो की तरफ जाती हुई वही ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स e के आसपास हमें टीम एक्सपार्क भी नजर आ रही है सो इट सीम्स लाइक एक अर्ली फाइट देखने को मिल सकती है ब्लाइंड वर्सेस टीम एक्सपार्क की और वहीं अगर हम बात करें टीम गॉड लाइक की क्लज गॉड नहीं हो एंड जी गॉड नज़र आते हुए चार के चार खिलाड़ी वी कैन स्पॉट दम देर ऑल गोइंग टूवर्ड्स द वाटर ट्रीटमेंट अराउंड हासी एंदा. पिछले मैच में थोड़ा सा टफ रहा था लेकिन इस बार देखते हैं क्या हो पाता है सर्कल पूरा का पूरा नॉर्थ नॉर्थ की तरफ जाता हुआ स्लाइटली ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड नॉर्थ ईस्ट साइड बट अब आगे यहाँ पे क्या हमें देखने को मिला है हासी सेंट मार्टिन के एरिया में हमें वीएसटी नजर आती हुई एंड आई बिलीव टीम गॉडलाइक भी वहीं जाती हुई नज़र आ रही है देर आर सर्टेन अदर टीम्स एज वेल एल की तरफ और का स्क्वाड नजर आ रहा स्कौर्ड 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 है एंड का स्क्वाड स्प्लिट है दे आर फोकसिंग ऑन द लूट एट द मोमेंट स्प्लिट करके फटाफट से लूट करेंगे एंड देन दोबारा से कलेक्टिव होके पुश करने की कोशिश करेंगे टीम एक्स पार्क अगेंस्ट टीम ब्लाइंड मानिया ऑन टॉप एंड सैद विद विक्टर वायल रोस्तम विद टॉमी एंड स्कॉल लेत्सी यहाँ पे क्या पहला फ्रैग निकल पाता है ब्रेक थ्रू कौन लेगा ये बहुत बड़ा सवाल होगा गाइस लेकिन आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और अपनी फेवरेट टीम का नाम एक बार फैम कर दीजिए व्हाट डू यू थिंक इस मैच में क्या होने वाला है इस मैच में कौन सी टीम चिकन डिनर निकालने वाली है ये प्लीज बता दीजिए बिल्कुल ईसन की तो की ये फाइट फॉर पैसों तरफ हमें देखने को मिलेगी अब एक ही टीम यहाँ से सर्वाइव करेगी तो ब्लाइंड हो सकती है या फिर टीम एक्सपाक टीम एक्सपार्क जब भी स्टार्टिंग की अगर मैं बोल रहा हूँ कोलेट्रल फाइट जब लेती है कोलिजन लेती है तो अभी तक तो देखिए जीतती हुई नजर आई है और उसमें हमने देखा है कि किस तरह से वो हर बार टैकल कर रही है हर बार जीत का स्वाद चख रही है पहली बैटल की जब मैं बात करूँ यहाँ पर बट अभी के लिए आज के दिन का वो जो जीत का स्वागत है कल तो देखिए जीत लिया था कल तो उन्होंने एक विनविन चिकन भी निकाला था लेकिन आज उसी भूख के साथ वो अभी भी इस गेम में उतरे यहां पर चौथे मैच में उतरे बट ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स को पार करना पड़ेगा ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स आज के दिन में ऑलरेडी एक दूसरे मैच में ही और दूसरा मैच किसका था मीराार मैप में था और मिरा मार ही मैप चल रहा है तो क्या पता बैक टू बैक एक अच्छा प्रदर्शन वो ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स यहां पर करके दिखा दे लेकिन अभी अच्छे प्रदर्शन की राह पर कोशिश करती हुई यहाँ पर टीम गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स ट्राई कर रही है और आज तो देखिए जॉरथन का भी हमें आगमन देखने को मिला है स्टार्ट अच्छा जा रहा है कहीं ना कहीं हम देखते हैं स्टार्ट

इंस्टेंट डाउन और ऐसा खिलाड़ी अगर डाउन हो जाएगा आदित्य के रूप में तो एक बहुत बड़ा झटके के लगने के आसार बढ़ जाएंगे यहाँ पर टीम एक्स पाक के और आदित्य एक एक करके ब्लीड आउट भी देके बहुत जल्दी कराए जा रहे हैं यहाँ पर उनके ऊपर शॉट दाग कर रुस्तम सैयद सारंग एंड आदित्य आदित्य अभी के लिए पहला ब्रेक थ्रू मिला तो है टीम लाइन को लेकिन आदित्य का रिवाइवल

Uh, खुद का फ्रैक दे बैठे लेकिन नॉक ज़रूर आएगा नॉक के साथ कंफर्मेशन भी आएगा सो दे हैव टू कीप दिस इन माइंड एंड अप्रोच इन अ कॉशियस मैनर नाउ देखिए क्रॉस फायर सेटअप से करके रखा है एक तरफ रुस्तम तो एक तरफ उनकी जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए एक खिलाड़ी एक बार जरूर देखना चाहिए कौन से वो प्लेयर अभी भी सरवाइव कर रहे हैं लेकिन यहां से प्लान क्या कर रही है देख देख रही रही है एक टीपीपी करके कहाँ पर वो एग्जैक्ट लोकेशन पे होल्ड करके बैठे लेकिन नकुल थोड़ा के राइट पे ही आपको दिख जाएंगे यहाँ पर सैयद ने इंस्टेंट नॉक करा गया है यहाँ पर बट संभल के क्योंकि रुस्तम भी वहां पर है और उन्हें भी यहाँ पर एक नॉकआउट निकाला जरूर लेकिन वहां पर रुस्तम का भी नॉकआउट मतलब अब सैयद ही एक आखिरी उम्मीद है अपनी टीम तरफ से एंड ऐसा लग रहा है कि मानो अगर ये क्लस निकाल देंगे तो कह सकते हैं कि ब्लाइंड के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रबल रहेगा लेकिन एस पावर सुनिश्चित करेंगे बहुत ही क्लोज ये शॉट वो भी यहां पर कनेक्शन काफी बेहतर यहां पर निकला और इंस्टेंटली अभी के लिए अब कह सकते हैं कि टीम एक्सपाक का यहाँ पर एलिमिनेशन देखने को मिल जाएगा बुरा जरूर लग, लग रहा है, है।, है। यहां पर बात की की में तो की हो जाती है अच्छा बैटर निकालती मेरा मार्ग में क्या चौक पॉइंट हो रहे हैं मेरा मार्ग में क्या गलतियां हो रही है उस पर आप जरूर यहाँ पर टीम वर्क करेगी और जितना मैच चलेगा कि आपस में बातचीत करके ये सब कुछ सुलटा है मतलब सॉर्ट आउट कर दिया कि

और अपने गेम को लेवलप करते हैं और अच्छा खासा मारना चालू कर देते हैं अच्छे खासे पॉइंट्स एकत्रित करना चालू कर देते हैं और वही चीज़ हमें आज के दिन पे देख देखने को मिल रही है इमोडल गेमर पिछले के मैच में बहुत ज़्यादा फ्रैग नहीं निकले थे तीन फ्रैग्स थे बट अल्टीमेटली दिस गाइस डिड मेक इट टू द टॉप टू जैसे तैसे पहुँचे थे बट अभी सेम परफॉर्मेंस विद, विद सम अग्रेशन दैट इज वॉट इज नीडेड एट द मोमेंट एंड आई एम प्रटी श्योर दीज गाइज़ आर गट डू इट इन एन अमेजिंग मैन ऑफ ये ने एट बी डाल्ट्रॉन को ड्रेक डाउन कर दिया है मैच नंबर फोर चल रहा है गाइज़ प्लीज़ डोंट फर्गेट टू हिट द लाइक बटन लाइक करते रहिए सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि सब्सक्राइबर्स का भी हमारा टारगेट है और लाइक्स का टारगेट हमारा अभी के लिए थर्टी फाइव थाउजेंड के आस पास है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाइए थर्टी फाइव थाउजेंड लाइक्स कर दीजिए साथ ही साथ गिव अवे की अनाउंसमेंट तो आप लोगों ने देखी देख ही लिए गाइज अवे की अनाउंसमेंट देख लिया आप लोगों ने क्रू वॉर की अनाउंसमेंट देख लिया अंडरडॉक की अपॉर्चुनिटीज की अनाउंसमेंट देख लिए तो वॉट आर यू वेटिंग फॉर गाइज इंस्टाग्राम पे आइए डिस्कॉट पे आइए और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैप कर लीजिए कह सकते हैं कि मतलब वर्थ हो रहा है इतना देर इतना आप समय देते हैं अपनी टीम को फेवरेट टीम को तो आपके लिए तो कुछ ना कुछ बनता है तो इसीलिए रॉयल पास और प्लस वो क्रू वॉर सीजन फाइव आप लोगों के लिए लेकर आ रखे बट सीधा चलते हैं फाइट की तरफ जहा पर हम बात करें एडमिनो को इंस्टेंट नॉक इंस्टेंट फिनिश दिया गया है पर मैटमेर के द्वारा देखते हैं कि और भी क्या खतरा वहां पर टीम को देखने को मिलेगा बट यहाँ पर टीम एलई कोशिश जरूर कर रही है यहाँ पर डाउन करने के लिए कोशिश है सामने टीम पंक को एक अच्छा चैलेंज देने के लिए ऑक्टेवियस रिवाल्वर मिल जाए तो बेहतर रहेगा अदरवाइज टीम एलईफी का फायदा उठा सकती है मतलब नंबर बस कार्ड वाटे वो तो था छठी टॉप ब्लॉक ने फोर्स जरूर करा एम कार्ड को लेकिन दिक्कत क्या आई दिक्कत थी यहाँ पर रिजिस मैं उनके परसपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि उनको रिजिस के पीछे दिखा ही नहीं यहाँ पर एम बॉट थोड़ा संभल के रही क्योंकि आपकी पोजीशन पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है और आपको डीआउट करने के लिए पैराडॉक्स को एक फ्लैंकिंग एंगल की तरफ भेजा हुआ है तो संभल के अपने टीम के साथ पहुंचे एटलीस्ट अगर नॉकआउट होंगे भी तो आपके टीममेट आपको बचा लेंगे बट पैराडॉक्स की पोजिशन मैं जरूर देखना चाहूंगा कि कहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं उनकी उनके जो एग्जैक्ट पोजिशन है क्योंकि वो फ्लैंक कर रहे हैं बार बार वो फ्लैंक करके आ रहे हैं और हर बार हो सकता है कि वो इस बार भी कुछ सरप्राइज दे दे पिछली बार तो देखिए दूफरेंट टीम थी इस बार उनका सामना हो रहा है पंख के साथ तो कह सकते हैं कि थम्बल के रहना पड़ेगा और अगर नहीं संभले तो कहीं एक और छट का यहाँ पर जस्ट लाइक को जैसा सबसे, सबसे पहला झटका लगा था कहीं उनको ना लग जाए और हम नहीं चाहेंगे भी स्टेज टू है तो इतना ज्यादा डैमेज उतना मिलेगा नहीं लेकिन इसी बीच मैं देख पा रहा हूं टीम बिट के ऊपर थोड़े से खतरे के बालक जरूर मंडराते नजर आ रहे हैं काफी लेट कर दिए जहां तक मुझे लग रहा है ओआर स्पोर्ट पहले से ही अगर आप ट्राई करते तो बेहतर रहता एडमिनो

एक ऐसे मोमेंट पे एक ऐसे सिचुएशन नजर आ आती जहां पर उनके सभी खिलाड़ी यहाँ पर ज़िंदा थे अब एक एक करके टॉप डॉग और एनकोर जो है वो एलिमिनेट हो चुके हैं यहां पर और इनके टेन में मैंने कुछ देर पहले जिक्र करा था कि आवाज़ आएगी तो वो आएंगे और देखिए खींचे चले आए थर्ड पार्टी करने आ गए हैं एंड यहाँ पर मैं बात करूँ पैराडॉक्स और केवा की वो अब यही बोल रहे हैं इंतज़ार कीजिए रोक दीजिए अपने आप को फाइट होने दीजिए क्या पता हम उनके ऊपर थर्ड पार्टी करके कैपिटलाइज़ कर पाए बट अब हम बड़े के ओवर की तरफ वापस से ओ आर स्पोर्ट्स की तरफ हम जरूर जाना चाहेंगे मैक एन एडमिनो के रूप में एक झटका ऑलरेडी लग चुके लेकिन सामने जो ये टीम है एडबेट आज देखा जाए तो ठीक है मतलब अगर मैं कंपैरिजन कल से अच्छा चल रहा है अच्छे मैचेस जरूर निकल रहे हैं लेकिन एंड सर्कल तक सर्वाइवल नहीं निकल रहा बस यही है फिनिशेस निकाल रही है टीम लेकिन एंड सर्कल का सर्वाइवल जो चाहिए हर हाँ टीम को वो नहीं निकल रहा इसमें वर्क करेगी टीम तो बहुत बेहतर सा आ सकता है बहुत टीम को उन्होंने चैलेंज रखा टीम बॉडलाइक उन्होंने चैलेंज रखा शुरुआती मैच में एलिमिनेट करा था दूसरे मैच में भी काफी कुछ यहाँ पर उनके लिए अगेंस्ट में करा था बट चलिए इस बीच रेविनेट फिर से यहाँ पर फाइट के मूड पे आ चुकी है और इस बार का जो फाइट है अगर आप देखेंगे और टैन के समीप

बट लेट्स सी सर्कल को प्रायोरिटाइज करना आई थिंक इट्स द राइट चॉइस एट द मोमेंट बट देन अगेन इट्स अल्टीमेटली सेंसेज कॉल कॉल देते हैं सर्कल के अंदर जाने के लिए बोलते हैं या फाइट के लिए बोलते हैं बट फिलहाल के लिए और क्या करेंगे ऐश अकेले बचे हुए अबाउट टू

बैठे नहीं या आपको दर्शक बनना पड़ेगा या फिर अपने टीम के साथ बैठक करनी पड़ेगी ताकि अच्छा गेम नेक्स्ट टाइम पे आप निकाल पाए लेकिन इसी तरफ हम बात करें यहाँ पर टीम लाइन क्या ही आगाज मिला है उनको यहाँ पर जैसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ टीम अभी उनके सामने अभी के लिए चैलेंज जरूर रखेगी ओपी फी फायर जरूर कीजिए क्योंकि आपके ऊपर अब आप एक के बाद एक रेड वहां पर आने वाले थ्रो आने वाले डैमेज जरूर दिया गया लेकिन क्या यहाँ पर एक माओ के पास जी हाँ टीपीएस है जी हाँ है, और इतने से गेम चेंज करते नजर आती है पर थोड़ी देर और एक और बुलेट्स अगर लग जाता तो शायद हो सकता था कि यहाँ पर ये दोनों जो खिलाड़ी है मानिया नकुल के रूप में ये डाउन हो सकते थे किस्मत अच्छी है मान्या अगर सही वक्त पे रोनी नहीं आते तो यहाँ पर हो सकता था कि दो प्लेयर्स का एलिमिनेशन और फिर दिमाग में रहता कि काश मेरे साथी वहाँ पर आते बट चलिए ऐसी हुई नहीं आपके सही वक्त पे आपके साथी पहुँचते हैं रोनी नहीं पहुँचते तो शायद अभी आप भी उनको उनका पी ओ वी चेक करके उनका मुकाबला अभी यहाँ पर विटनेस कर रहे होते लेकिन ये फाइट अभी समाप्त नहीं हुई है ब्लैंड क्योंकि अभी भी वहाँ पर टीम मेट फिट उनके आपके ऊपर नज़र साधे हुई है वो इंतजार कर रही सही वक्त का और जो भी उनके टीम मेट्स देखे ये फिनिश पीट को रीड कर रहे हैं उनको पता है कि यहाँ पर नॉकआउट हुए होंगे बहुत समय हो गया था नॉकआउट हुए तो रिवाइवल हो भी गया होगा इसी वजह से उनके ऊपर कोई स्लैमिन आया नहीं पिछली गेम के विजेता सेवन सी स्पोर्ट्स क्या ही कमाल का वो स्प्रे का एक स्मार्टनेस नजर आई थी वन वन फाइट अपने नाम निकालते नजर आए थे ऐसा लगा था कि मान लो आखिरी सर्कल का का वेट कर रहे हैं श्रिंकिन तो नहीं हुआ लेकिन खुद स्प्रे स्प्रेक आगे बढ़ते हैं और

धीरे धीरे करके अंदर सर्कल के आएंगे तो सदन साइड पे तो हमें अच्छा खासा चैलेंज देखने को मिल रहा है टीम तमिलास की बात करें मिड ऑफ द सर्कल पकड़ा है लेकिन इसी बीच जूसी का ग्रेनेड नकुल को टेक डाउन करते हुए निगमा गैलेक्सी का स्क्वाड भी सर्कल के अंदर रोटेशन देने की कोशिश कर रहा है स्मेक्सी द्वारा रोनी को शट डाउन कर दिया गया है दैट क्लियरली मीन्स टीम ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स इज इन ट्रबल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है अभी फंसी हुई ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स निकलेंगे कैसे ये थोड़ी देर में पता चलेगा लेकिन चलिए ब्लाइंड स्पोर्ट्स के एस पावर ने भी मारना चालू कर दिया है टेक डाउन किया मैडमैन को भी टेक डाउन करते हुए एस पावर ये पावरफुल परफॉर्मेंस दिखाते हुए नकुल का भी रिवाइवल हो रहा है और पांच फ्रैग निकाल दिए इन टोटल ब्लाइंड ही स्पोर्ट्स बहुत शानदार रोनी गए तो गए एस पावर मानिया नकुल तो जीवित है और इसी बीच एक और ग्रेनेड एक बार फिर से नॉक होते हुए बट मानिया uh, yeah. ग्रेनेड खतरनाक हो सकता था मानिया के पास स्प्लैश डैमेज तो पड़ा है Smixi भी धीरे-धीरे आते हुए फटाफट से हील करेंगे अपने को और ब्लाइंड इस बार कनेक्ट like <laughs> किया है डीबीएस और एक और खिलाड़ी सामने गो बी डीबीएस का कमाल दिखाते हुए wow. और दिखाते हुए ब्लाइंड पावर ट्वेल्व बट सैडली आखिरी खिलाड़ी बचे हुए ब्लाइंड मानिया विद फोर फ्रैग्स इन पॉकेट लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हुआ है गेम जो. इस नुकसान से कैसे रिकवर कर पाएंगे हां मेरे ख्याल से थोड़ा देर और पहले एस पावर सर्वाइव देखिए एस पावर का आपने जैसे देखा ग्रेनेड उसके बाद मोल्टोव से ही कहीं ना कहीं उनका शिकार किया गया मौका ही नहीं दिया कि ये वो जाते अपने साथी को बचाते बट टीम लाइन अगर एक और खिलाड़ी अब सर्वाइव कराते तो बेहतर रहता बट टीम रेविनेंट जिसकी आखिरी उम्मीद थे यहाँ पर अपोलो वो भी अब इस लॉबी को छोड़ते नजर आएंगे लॉबी में इंतजार करेंगे नेक्स्ट मैच के लिए देखेंगे क्या रहता है उनका अब आखिरी गेम जो रहेगा रेंगल का बट अभी गाइस हमारा फोकस तो यहाँ पर देखिए बना हुआ है इस मार में लेकिन लेकिन जब तक हमारा फोकस मेरा मार में है फाइट जब तक नहीं हो रही गाइस सभी से रिक्वेस्ट है स्क्रीन को मिनिमाइज कर दीजिए क्यों मैं बोल रहा हूं ताकि आप लाइक का आपके पास एटलीस्ट वो ऑप्शन आ जाए लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल पर लाइक आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपनी प्रेजेंस दिखाइए चैट में किस टीम को सपोर्ट करते कोई सवाल है कि देखिए इनसे देखते रहते कोई अच्छे सवाल आते हैं तो उसका भी हम हाँ जवाब ऑन स्क्रीन ही देते हैं तो अगर है तो आप करिए अपनी प्रेजेंस दिखाई कि आप भी इंजॉय कर रहे हैं और इतना ज्यादा जब आप उसका सपोर्ट दिखा रहे हैं तो जो अफ्रर्स ने सरप्राइज दिया था कि हमें भी अंदाजा नहीं था बस ये बोला कि आप स्क्रीन का इंतजार कीजिएगा आपकी स्क्रीन में दिख जाएगा वो सरप्राइज तो हमें भी अंदाजा नहीं था तो गाइस नब्बे हजार फॉलोअर्स अगर होते हैं इंस्टाग्राम पे दस रॉयल पास वहां से दिए जाएंगे और अगर एक लाख सब्सक्राइब फॉलोअर जैसे कंप्लीट हो जाएंगे तो वहां पर दस रॉयल पास और मतलब टोटल बीस रॉयल पास गाइस कौन से वो नाम होंगे तो मैं चाहूंगा जरूर फॉलो करते रहेगा शेयर करते रहेगा बट अभी के लिए जो फाइट चल रही टीम तबिला आज का दिन एटलीस्ट ये गेम तो आप अपने नाम कीजिए कोशिश कीजिए बेशक एक फ्रैग नहीं दो फ्रैग उनके जा चुके हैं लेकिन स्ट्राइकर मैक्सी क्षमता है इन पे वो काबिलियत है ये करके दिखा सकते हैं बट आज के दिन पे वो आगाज कौन से मैच पे आएगा ये बस देखना बाकी है यहां पर और साथ ही साथ जो मैं बात कर रहा सब्सक्राइब कर जो गोल है यहाँ पर थ्री का वो भी कंप्लीट कीजिए और तीस लाइक गोल तो करा ही सकते हैं बैक टू द फाइट अभी के लिए कई कई जगह पर हम बात करें तो हो रही है लॉन्ग रेंज फाइट हमें देखने को मिलती हुई नजर आ रही है टीम गॉट लाइक क्या फिर से

बिल्कुल सही कहा देखिए लाइक के चार के चार खिलाड़ी जीवित है लेकिन अभी के लिए थोड़ी सी परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंस कम होगा, लेकिन अब ब्रिटिश और अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है जनता इंतजार कर रही है वो लो एच पे पे कर रहे हुए लेकिन यहाँ पे ओ आर को शट डाउन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इज इट ओ और निगमा गैलेक्सी इट सीम्स लाइक like इट्स निगमा गैलेक्सी बट इसी बीच ग्लैडिएटर्स अपना काम करते हुए कमाल करते हुए बवाल करते हुए दमाल करते हुए और जी गॉड हल्का सा फॉल बैक होते हुए एजिस पे खेल रहे सर्कल के इट्स अ गुड स्पॉट क्योंकि एजिस पे अगर आप खेलते हैं तो आपके पास आए, कर एक नहीं दो सामने मौका बहुत अच्छा है दो हाँ है और अच्छा। तो पर देखा दिया गया पे साथ साथ भी डाउन लेकिन विकी का रिवाइवल हो नहीं पाएगा राइट कंफर्म करते हुए बट को रिवाइवल जॉनसन कहा है

वो गए थे सर्कल की तरफ उनको भेजा गया था लेकिन जोरेथन एंड टीम में क्या वो ताल कुछ एरर आया क्योंकि जोरथन को भी अंदाजा नहीं लगा कि उनको भरोसा था कि क्लच कॉट निकाल लेंगे वो फाइट निकाल लेंगे और वापस से आ जाएंगे बट उनको ये नहीं पता था कि टीम सामने तैयार थी और प्लस प्लस वो थर्ड पार्टी शॉट जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि आई भी झटका दे सकती है तो अब जोरथन के ऊपर पूरा भार फिर से टीम कॉड लायक देखने को मिल जाएगा यहां पर कोशिश थी देखिए नियो अगर सर्वाइव करते तो बेहतर और भी स्थिति यहां पर बन सर

जॉनथन को थोड़ा सा अंदाजा तो है प्लेयर टू की तरफ ग्रेनेड पिन किया गया है लेट्स सी वो ग्रेनेड कमाल करता है या नहीं अगर ग्रेनेड कमाल करेगा तो शायद जॉनथन जॉनथन को कवर पे जाना पड़ेगा शॉट जॉनथन के ऊपर आते हुए लेकिन ही इज बिहाइंड कवर बट ग्लैडिएटर्स चौकन्ने हो चुके हैं ग्लैडिएटर्स का निशाना अब जॉनथन के ऊपर है उन्हें पता चल चुका है सामने है

लेकिन अब ग्लैडिएटर्स मुझे नहीं लगता यहाँ यहां पर जाने वाले हैं बट इसी बीच टीम तक तो

तो तो अब यहाँ पे कोई भी भी रूल्स नहीं है। There's only one rule. मारो, कुछ भी करो, <laughs> फ्रैग निकालो। <laughs> बिल्कुल। वो वो हो हो, जाएगा। फिर कह कह सकते सकते हैं हैं कि कि अगर खिलाड़ी डाउन तो अगेंस्ट आ चुका है ग्लेटर के बट ब्लाइंड के जो मान्या है ना उनसे थोड़ा सा खतरा है ब्लाइंड के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है

आ, मतलब तो समझ में नहीं नहीं आया मुझे सॉरी जैली जैली का वो वो तो nowhere, नहीं तो फ्रॉम अंदाजा ही था जस्ट करते हैं क्विक स्प्रे जो उनको लगा पलक झपकते वहां पर पर डाउन होते नजर लेकिन अब फोकस है है इस फाइट के ऊपर ये सिनेरियो हो चुका है पर, और जाएगा जाएगा आपके, टीम के तरफ, क्या ही चार मुकाबले हो चुके हैं एंड चारों मुकाबले इतने ज्यादा इंटेंस हर एक मुकाबले में एक नई चीज देखने को मिल रही है एक नए प्लेयर की तरफ से एक अच्छा खासा क्लच देखने को मिल रहा है डोमिनेशन देखने को मिल रहा है चाहे आप ब्लाइंड की बात कर लीजिए और चाहे आप गॉड लाइक -like के जॉनथन की बात कर लीजिए इस मैच में तो मैं कहूंगा जॉनथन एक एक्सेप्शनल गेम प्ले खेला बट एट द सेम टाइम आज के दिन पे नॉट जस्ट जॉनथन बट टीम्स की भी बात करना चाहूंगा ब्लाइंड स्पोर्ट बहुत अमेजिंग खेल रही है एंड टीम एक्सपाक बहुत अमेजिंग खेल रही है मल्टीपल टीम्स बहुत शानदार खेल रही है गेम्स लेकिन आई

टीम गॉड लाइक वो गए थे और मेरे ख्याल से उनको क्या अंदाजा था कि सामने प्लेस जो थे इस तरीके से उनके ऊपर चढ़ जाएंगे काफ़ी दूरी से लॉन्ग स्प्रे था उनके ऊपर बट चलिए ये तो हम एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट गेम में जब हम आएंगे यहाँ पर क्योंकि अभी भी गाइस जाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि अभी भी आखिरी गेम बचा हुआ है हमारे आज के दिन का डे नंबर थ्री का ये एक्शन अभी बचा हुआ है लेकिन जाने से पहले हर बार रिक्वेस्ट रहेगी जाइए और जो आपके लिए इतना बढ़िया आज सरप्राइजेस मिले हैं इंस्टाग्राम पर सबसे पहले आपको ओपन करना है अपथरा सी स्पोर्ट्स फॉलो आपको कर देना है सर्च करेंगे फॉलो करेंगे वहां पर पोस्ट भी डाल दिए गया है देखिए हम तो यहां पर आप कौन स्ट्रीम दिखा रहे हैं वहां तो पोस्ट भी डल गया है जस्ट आपको जाना है टैग कर देना है तीन अपने किसी भी दोस्तों को ताकि उनको भी पता चल पाए कि वो किस लिए मुझे टैग किया जा रहा है वो भी फिर टैग करेंगे ताकि और भी जो जनता उन तक ये पहुँच पाए तीन दस टोटल मैं बोलूँगा दस टोटल आरपी नब्बे हजार फॉलोवर पे और एडिशनल दस अगर दस हजार एक लाख अगर आप फॉलोवर्स कराते और अगर फॉलोअर आप करा देंगे तो क्या पता आप भी पर विजेता बन जाए मतलब आपके चांसेस बढ़ जाएंगे और प्लस प्लस डिस्कॉर्ड में जो अभी के लिए ओपन हो चुके रजिस्ट्रेशन जी हाँ गाइज आपको क्रू वॉर के लिए टू रजिस्टर और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आए क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वे चलता है पर चलिए गाइस अभी इसी नोट के साथ एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद वापस हाजिर होता है हमारे मैच नंबर फाइव के साथ ट पावर्स ग्रेट ही होगा बट ई स्पोर्ट्स में विद बिग ब्रांड नेम विद बिग ऑर्ग नेम कम्स बिग एज वेल और उन्हीं रेस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते काफी बार हमारे प्लेयर्स प्रेशर में रहते हैं बट एट द सेम टाइम गाइज आप सब लोगों का प्यार हमारे प्लेयर्स को और ज्यादा बूस्ट mm. करता है उन्हें प्रेशर से रिलीज करता है ऑन दैट नोट पॉइंट्स टेबल की बात कर लेते हैं गेम्सो बिल्कुल सबसे पहले देखिए टीम आई एन एस चिकन विनर सात फ्रैक्स ये एक ऐसा मैच रहा जहां पर डबल वो टच नहीं हो पाया लेकिन टीम आई एन एस खुश रहेगी एटलीस्ट जो चिकन डिनर की तलाश थी वो तो कम की पूरी हुई सत्रह अंक उन्हें टोटल इस गेम से निकाले दूसरे पायदान पर टीम ब्लाइंड चौदह अंकों के साथ देखिए बारह फिनिशेस निकाल लेकिन अगर यहाँ पर प्लेसमेंट पॉइंट और मिल जाते तो हो सकता है कि ट्वेंटी पॉइंट्स भी उनके यहाँ पर बन सकते थे टीम पंक के तेरह अंक है आज कंसिस्टेंट की एक मिसाल टीम पंक ने यहाँ पर दिया बस आखिरी गेम में भी कुछ ऐसे अंक निकाले तो वेल एंड गुड रहेगा टीम गॉड लाइक सात ब्रेकिंग फिनिशेस जिसमें अगर हम बात करें वो एक अभी हम बताते हैं क्या क्या हुआ था शायद जो चीज मिस हुई थी वो बताएंगे अंक है टीम ग्लैडिएटर के नौ अंक सेवन सी के आठ टीम वी एस टी के पांच सेम विद टीम एन जी एक्स टीम एटबिट ओ आर स्पोर्ट्स के चार चार अंक टीम तमिलास के तीन वेम विद रेवनेट ई स्पोर्ट्स के भी तीन गॉल्स टेन के एक और टेन के एक टीम एल एफ पी का एक टीम एक्स पार्क शून्य टीम एनिग्मा फॉर एवर के भी शून्य टीम अवी और अननोन के भी शून्य शून्य तो आज तो हम कह सकते हैं कि अभी के लिए कुछ टीम्स आज ऐसे नजर आ रही है लाइक औरंगन ट्राई कर रही है लेकिन अभी भी अभी भी जिस क्षमता के लिए वो जिस क्षमता के लिए वो जानी जाती है जितना बेस्ट दे सकती है वो बेस्ट नहीं आ पा रहा है औरंगटेन आखिरी गेम है आज के दिन का कोशिश कीजिए के ना केवल ऑरेंगटन टीम एलई एफ पी टीम एक्सपाक ट्राई कीजिए क्या पता आज के दिन में बच्चे हुए जो आखिरी मुकाबले है नहीं होने वाले जो जस्ट स्टार्ट उसमें आप एक अच्छे गेम आप अच्छा रिजल्ट यहाँ पर निकाल पाए तो चलिए ये तो हो गई है हमारे इस मैच की पूरी स्टैंडिंग्स मैच नंबर फोर की जैसे हमने बोल रखा है कि मैच नंबर अगर आपको ओवरऑल स्टैंडिंग्स अगर आपको जाननी है तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम में आप जा सकते हैं गाइस अभी भी हम इंतजार कर गें नब्बे हजार फॉलोअर्स जैसी हो जाएंगे अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल जाएगा किस चीज का विनर्स का वो दस रॉयल पास जीतने वाले तो अगर आप भी चाहते हैं आप भी अपना नाम दिलवाना चाहते हो उस सूची में तो करना क्या है इंस्टाग्राम पे जा रहा है वो पोस्ट पोस्ट आपको दिख जाएगी उस पोस्ट को कर देना है और कमेंट में अपने भी, भी शेयर करेंगे और क्या पता, आपके ही दोस्तों में किसी एक को तो मिल जाए सिचुएशन में आप आ सकते हैं बट चलिए इसी बीच हम सीधा चलते हमारे आज के दिन के मुकाबले की तरफ जो हमारा है इस इंगल का और इंगल में फाइनली फाइनली हमने बात रखी थी जब हम फ्लाइट पाथ मिस वेट कर रहे थे हम विटनेस कर रहे थे हमारे उस मीरामार का तब क्या था एक कॉर्नर ओरेंटेड फ्लाइट यहाँ पर फ्लाइट पास बन पड़ा था फाइनली एक परफेक्ट एक परफेक्ट पीछो पीछे से गुजरता हुआ इक्वल दोनों ही छोर से आपको डिवाइड करता हुआ ये फ्लाइट पाथ मेरे ख्याल का टीम्स काफी खुश रहने वाले लेकिन पिछले गेम की जो हम बात कर रहे थे देखिए का जब वो क्लच निकल रहा था हमने देखा था उस समय पे तीन से खिलाड़ी डाउन कर रहे थे फिर चौथा प्लेयर जो था वो जैली को डाउन किया गया था लेकिन बाद में जब हम फिनिश फीड में उस समय पर शायद हम देख नहीं पाते लेकिन हमने जब विटनस करा तो हाँ ग्लैडर्स का आखिरी खिलाड़ी भी यहाँ पर जॉनसन ने पिकलब एक वन बी फोर उनके अगेंस्ट पर निकाला गया बहुत ही शानदार था बट वो जो अंत चाहती थी टीम गॉड लाइक उस तरह से हुआ नहीं यहाँ पर तो देखेंगे इस बार जो भी खिलाड़ी आखिरी तक बचेगा वो कोशिश करेगा कि जी जान लगा देगा अब वो चाहे -like हो, अच्छा रिजल्ट टीम के लिए भी हमारी अपने फेवरेट टीम को, को करने में जी जान लगा रहे थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ कम्युनिटी जितनी भी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर इट बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्लीज़ डोंट बी हेटफुल टूवर्ड्स एनी वन आई अंडरस्टैंड बहुत सारी अच्छी अच्छी टीम्स है कुछ टीम्स आपकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा इट्स अ वेरी गुड थिंग बट गाइस चार्ट सेक्शन में अननेसेसरी टॉक्सिसिटी दिखाना सामने वाली टीम को हेट करना इज नॉट राइट चाहे आप किसी भी टीम के फैंस हैं चाहे आप गॉड लाइक के फैंस हैं सोल के फैंस हैं एस ए ट्यूएल के फैंस हैं गाइस जितनी भी ये टीम्स हैं सब पिलर्स हैं हमारी स्पोर्ट्स e कम्युनिटी का बिल्ड करने में तो प्लीज़ रेस्पेक्ट दैट रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी प्लेयर एज अ कास्टर एज अ फेलो गेमर क्योंकि मैंने भी आप ही की तरह स्पोर्ट्स e कम्युनिटी में रहने का सपना देखा कुछ करने का सपना देखा दैट इज़ वाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू आर बिलवड गेम इज़ फाइनली बैक तो प्लीज़ कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कीजिए जिसकी वजह से हमें एज अ गेमर एज अ स्पोर्ट्स कम्युनिटी एज एन ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी कुछ कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ जाए इन द फ्यूचर तो प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल लव योर टीम बहुत ज़्यादा हार्ड को सपोर्ट दिखाई अपनी हर एक टीम को चाहे आप किसी भी टीम के फैंस हैं एंड एट द सेम टाइम बाकी सारी टीम जो अच्छा खेल रहे हैं प्लीज़ उन्हें भी सपोर्ट दिखाएँ और

पार्क के चार खिलाड़ी के नजर आते हुए फटाफट से रजिस्टर फटा फट कर लीजिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तीन हजार स्लॉट्स है गाइज सिर्फ तीन हजार स्लॉट यहाँ पे जो भी टीम एक्सेल करेगी इस क्रू वॉर सीजन नंबर फाइव में

और एंजॉय कीजिए वापस से आके अपनी फेवरेट टीम्स का गेम टीम एक्स पार्क की बात करें जितनी तारीफ करे उतनी कम है फॉर अ रीजन दिस टीम इज वन ऑफ दी बेस्ट फॉर अ रीजन इस टीम के इतने फैंस हैं बट एट द सेम टाइम वी एस टी इक्वली गुड वी एस टी इक्वली कॉम्पिटेंट वी एस टी इक्वल एफर्ट डालती है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपर हैंड टीम एक्स पार्क लेके आती है बल्ट <laughs> पिछले गेम के विजेता टीम आइनस क्या कर बैठे डूम आप वही प्लेयर थे जिन्होंने आखिरी प्लेयर को यानी आखिरी खिलाड़ी को सुनिश्चित करा था और जीत दिलाई थी मतलब वो सत्रह अंक उन्होंने हासिल करवाए थे बट देखिए हमने काफी बार विटनेस विटने कि जब भी अब तक चाहे वो स्क्रिम्स हो चाहे वो इवेंट हो हर बार ऐसा होता है कि पिछले गेम में जो विजेता बनते ना अगले गेम में थोड़ा चौक कर बैठते और वही जो अभी के लिए आईनएस के द्वारा देखने को मिलता नजर आ रहा है देखते हैं कि क्या बचने में कामयाबी मिलेगी नहीं लेकिन इस पोचंकी के राजा जो चल रही है अभी बात देखिए आज आज की सीरीज जो चल रही थी आउट ऑफ थ्री की यानी तीन रैंगल में दो बार तो देखिए तो के के मुकाबले में टीम बी एस टी ने ही जीत दर्ज करी थी इनके साथ बैटल वो हो प्योर फाइट निकाली थी फोर फोर की वो अपने नाम करी थी बट अभी के लिए थोड़ा सा, एक स्प्लिट, वन एक स्प्लिट सा मुझे देख नजर आ रहा है यहाँ पर हो सकता है कि उस पहाड़ी से उस एलिवेटेड पोजिशन से क्या उनको फायदा मिल सकता है चांसेस बन सकते हैं कभी भी कुछ भी यहाँ पर बट अभी के लिए सारे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर जो जितनी भी टीम्स आपको नजर आ रही है कहीं से भी आपको शॉर्ट्स पड़ सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन अगर पता है तो चलिए ठीक है तब तो वेल एंड गुड लेकिन अगर नहीं पता है सोच समझ के आप बाहर आने की कोशिश यहाँ पर कीजिएगा एंड इनसे जैसे आप बात भी कर रहे थे ना यहाँ पर वो दस रॉयल पास तो मैं यही कहूंगा वो तो दस तो मिलेंगे मिलेंगे नब्बे हज़ार फॉलोइंग में लेकिन अगर एक लाख फॉलोअर्स अगर हो जाएंगे तो देखिए वहाँ पर भी आपको दस एडिशनल मतलब टोटल आपको 20 रोल पास ऑन स्टेक है अगर अब चर्चा करने वाले है। कैसा लग रहा है मुझे तो लग रहा है यही वो कंपाउंड अब क्लस्टर के कंपाउंड के रूप में बनता नजर आएगा रुस्तम को चलिए नॉकआउट कर दिया जाएगा बट थोड़ा संभल के क्योंकि अगर यहाँ पर एक और झटका लगता है तो कह सकते पूरी तरह से ब्लाइंडली उनके ऊपर कर जाएगी स्लेमिन

बार 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 हर बार टीम एक्स पाक टॉमिनेट कर रही थी लेकिन इस बार वी एस टी ने कहा nah, बाबा, ना बाबली सिर्फ एक मैन नुकसान पे टीम टीम पाक को एलिमिनेट कर दिया है चार के चार खिलाड़ी खुश नहीं होंगे इस बार बट कोई बात नहीं देखिए हर बार जीत पाना ये पॉसिबल होता नहीं है लेकिन जब कभी कभार आप हारते हैं तो ही सीखते हैं संभलते हैं उठते हैं और कमबैक करते हैं यही तो खास बात है हमारे इस गेम की बट अब नजर डालेंगे हम ओआर पे चलिए ओआर ई स्पोर्ट्स फिलहाल तो देखिए आज दिन उतना अच्छा नहीं जा रहे यहाँ पर जेली एडमिनो मैक पिछला गेम में जो जोनाथन के सामने जब जेली आए थे जस्ट वो पीक कर रहे थे उन्होंने चेक करा कि कौन है सामने जो फाइट कर रहा है बैक टू बैक फ्रैक्स निकाल रहा है जस्ट पीक आता है वो नॉकआउट लेकिन उनको यह अंदाजा नहीं था कि उनको बस हाँ ये पता था कि वो अकेले खिलाड़ी है बट उनको यह अंदाजा नहीं था कि उनका पीक करना पूरा वो भारी पड़ेगा क्योंकि जॉनसन का वो स्प्रे जो था वो हेड पे ही कनेक्ट होता नजर आया बट चलिए यह बात रही हमारे पीछे पिछले मैचेस के क्लचेस की बट इस बार कौन क्लचेस करेगा वो हम जरूर देखना चाहेंगे आखिरी मुकाबला तो मेक शौर, मेक शौर अभी तक नहीं करा है। कर मुकाबला देखिए आप देखना चाहते थे अपने फेवरेट उन टीम को तो जो अभी तक डे वन डे टू में अच्छा नहीं कर पा रहे थे लेकिन आज अच्छा कर रहे हैं जी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डे वन डे टू बहुत ज्यादा सफर कर उन्होंने लेकिन आज अच्छा लग रहा है कि वो ऊपर पे तारे की तरह ऊपर जा रहे हैं इसी बीच फ्लाइट में

दैट टाइम यू आर डिस्कसिंग मान्या नकुल की परफॉर्मेंस के बारे में काफ़ी अच्छा खेलते हैं काफ़ी डिपेंडेबल खेलते हैं एंड बैक इन द डे मैंने नकुल को बहुत बार ऐसा देखा है कि अकेले खिलाड़ी बच जाते हैं लंबा सर्वाइव करके जाते हैं टूडोस टू एवरी सिंगल प्लेयर नॉट जस्ट नकुल मैं कहूँगा हमारी लॉबी में जितने भी खिलाड़ी मौजूद हैं एवरी सिंगल प्लेयर होल्ड ऑन द बेस्ट कैपेसिटी राइट नाउ और अभी के लिए दलजीत को देखिए वंस यूज टू बी नोन एज स् नाइपर किंग अब भी हम ब्रिटिश और स्नाइपर में उतनी ही स्किल्स एक्सेल करते होंगे बट क्योंकि स्नाइपर इतनी ज़्यादा मेटा में है नहीं बोल्ट एक्शन राइफल्स तो अभी थोड़ा सा स्विच करना पड़ता है डी पे बट नेवर द अभी के लिए फ्रैग निकाला अपने लिए नाउ ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स इज ऑन मूव देर अ गो टूवर्ड्स हेल्थी कंपाउंड जहाँ पे रॉक सॉलिड

जंगुल में अभी के लिए रिवाइवल के लिए प्लेयर हाथ हो चुके हैं बट नकुल गलत तरफ खड़े हैं सामने की तरफ नजर आएंगे वेक्सी नजर आएंगे बटलेटी नकुलट करना चाहते हैं बट ओ ब्यूटिफुल प्रो ड्रॉप शॉट दिया लेकिन नकुल भी शॉट आते हुए साथ ही साथ दो फ्रैक कंफर्म कर देंगे बट क्या यहाँ पे रोनी और एस पावर बच पाएंगे रोनी और एस पावर बच पाएंगे या नहीं अलादीन भी शॉट देने की कोशिश कर रहे हैं और रिवाइवल की जरूरत है दो तो बार अब रिवाइवल की जरूरत है बट जॉनथन मैंटी स्प्रे देते हुए और जॉनथन अगर स्प्रे देंगे तो इतना आसान नहीं होगा भाग पाना या तो फाइट कीजिए या तो फिर पेटी पैक होने की तैयारी कीजिए बट चलिए कोई बात नहीं मैक्सी पीछे की तरफ डाउन है टीम गॉट लुकिंग कॉन्फिडेंट बट एट द सेम टाइम उतना ही बेहतरीन स्प्रे आता हुआ जॉनथन को टेक डाउन कर दिया है स्ट्राइकर स्ट्राइक बैक टेक्स डाउन जॉनथन बट आई एम नॉट रिली श्योर the revival is possible at the moment or not, बट इट सीम्स लाइक नाउ आम आई एम श्योर नाव आम श्योर रिवाइवल इज पॉसिबल क्योंकि कवर के लिए भी खिलाड़ी आ चुके हैं थोड़ा लेट कर दिया जहाँ तक मुझे लग रहा है कुछ थर्ड पार्टी शॉट्स भी हो रहे हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट लेकिन टीम गॉट लाइक सुनिश्चित करने वाली शायद आखिरी खिलाड़ी जो बचे हुए कैरी अपने आप को हाइट करके बैठे हुए थे क्या वो फ्लैश करके बैठे हुए थे चौथा फ्रैग यहाँ पर पूरी टीम को मिलेगा जिसमें नियो का बहुत अहम योगदान यहाँ पर देखिए वो मूव मुझे समझ में रहा कि जोनाथन पीछे हो रहे थे बहुत कम होता है कि सिनेरियो में जोनाथन पीछे इस तरह से भागते नजर आए शायद वही एक गलत डिसीजन था बट इतना कॉन्फिडेंस था यहाँ पर हर खिलाड़ी को कि नॉकआउट होंगे तो रिवाइवल मिल जाएगा यहाँ पर बट टीम तमिलास काफी अच्छा ट्राई काफी अच्छी कोशिश लेकिन कोई बात नहीं बेटर लक नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम जब आप उतरेंगे इस मैदान में तो हो सकता है कि इस बार नेक्स्ट टाइम आपकी जंग जीतते हुए आप नजर आए बट चलिए अभी हम और टीम के ऊपर भी जरूर बात करने वाले हैं टीम ब्लाइंड जिसमें हम बात वहां पर कर रहे थे, थे उस पर्टिकुलर फाइट की वो जो मल्टीपल नॉकआउट्स हुए थे ऐसा लग रहा था कि मानो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा बट एट लास्ट वो सरवाइव करने में कामयाब रहे नकुल की जी बात की जा रही है पर इम्पॉर्ट नॉकआउट किए गए हैं हो सकता है बचाने में उनको कामयाब मिल जाए बट थोड़ा सा खतरा नहीं काफी ज्यादा खतरा अभी के लिए उनको मंडराता नजर आएगा टीम फॉर एवर लग रहा है कि अपने जाते आते एक अच्छा एक मैच रिजल्ट अपने नाम लेके जा सकते हैं दूसरे गॉड से जो कुछ देर पहले अगर देखा जाए फाइट ले रहे थे लेकिन अब वो फाइट बहुत ज्यादा भड़क चुकी है वो आग अब बहुत ज्यादा भड़क

पंख के लिए बहुत बुरा जरूर लग रहा है मुझे लग रहा है आखिरी खिलाड़ी जो बचे हुए काफी मुश्किल रहेगा यहाँ पर सहारियों अभी भी देखे तीन टीम वहां पर मंडरा मंडरारी यहाँ पर हो सकता है कंफर्मेशन आ जाए और जी हाँ टीम का आखिरी खिलाड़ी जो पंख थे वो भी अब होते हुए नजर आ सकते हैं okay, है। शायद अभी आगा नहीं है इतना पता है कि आस है बट एग्जैक्टली exactly कहां पर हो सकते है ये उनको बारे में इसके बारे में नहीं पता स्मोक्स है तो कर लीजिए बट मुझे एक ही ग्रेनेड बस उनके पास नजर आ रहा है बैंडेजेस है उससे कोशिश कहाँ पर कर रहे हैं लेकिन टीम ब्लाइंड इतना ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए इतना ज्यादा बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि सामने से जो और टीम्स बढ़ रही है जी आगे टीम गैलेक्सी भी अब आगमन यहाँ पर दे रही है ये ट्रायो बैटल का जो आगमन हो चुका है शायद अब एक ही टीम तो देखिए यहाँ से सर्वाइव करेगी करेगी बट कौन सी टीम वो रहेगी शूटिंग रेंज की तरफ बिक यहाँ ही फाइट चल रही है और शूटिंग रेंज में आगे तक की जो सर्कल है ना वो बुकड हो रखे ऑलरेडी इतना मुझे पता है कि स्टेज थ्री स्टेज फोर स्टेज फाइव शूटिंग रेंज तो आपके उसके एक्सेस में रह गए रह गए इम्पॉर्टेंट वो ऐसा लग रहा है कि एक वीआईपी टिकट लेके बैठ गए बीच में पॉप लेके के सोच रहे कि क्या चल रहा है बट गलती से भी उनकी एक झलक दिख गई तो एम व्हाट खैर नहीं बहुत मुश्किल रहेगा और अब रेविनेंट भी हिस्सेदारी ले रही है यहाँ पर इस फाइट में बिल्कुल सही कहा देखिए अभी के लिए ना आखिरी मैच है आज के दिन का तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके ही प्लेयर्स एग्जिट करना चाहते हैं उसके बाद लेकिन कनेक्शन इतना अच्छा मिल नहीं पाया अपोलो की तरफ नजर डालेंगे अपोलो के ऊपर शॉर्ट आते हुए बट रेवेन्यूडी गाड़ी की सैर कर रहे हैं फीएल स्प्रे करने की कोशिश एमजे लेकिन इस बार पहले प्रोन हुए उसके बाद वापस खड़े हुए और एमजे को शट डाउन कर दिया राइट

बट अपोलो बहुत शानदार खेल ही रहे हैं इसी बीच सेंसे ने बदला ले लिया है बदला ले लिया है आई साहब ने आई साहब ने कहा यार आप हमारे असोल्टर को टेक डाउन करेंगे हम आपको कैसे छोड़ दें और इसी के साथ बराबरी की सिचुएशन बनती हुई लेकिन मैक को मुझे लग रहा है तीनों तरफ से घेर रहे हैं नीचे से फियर्स आते हुए ऊपर से सेंसे और अपोलो भी आ रहे हैं यहाँ पे फाइट चलती हुई बट इसी बीच -like का भी इंगेजमेंट चलता हुआ टीम ब्लाइंड के साथ चलिए मैक को भी शट डाउन कर दिया है सो कमिंग बैक टू द टीम गॉड लाइक सेवन फ्रैग्स इन पॉकेट एंड नियो 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 बहुत शानदार चार फ्रैग्स आ चुके हैं नियो के खाते में बट

सॉरी डे वन क्यों छोड़कर डे टू काफी बेहतर गया था क्योंकि टीम टॉप में वो चल रही थी और आज का दिन भी है उनको अपने आप को ऊपर लेकर आने तो ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सात फ्रैक्स शुरुआती फेज में अगर आप सात फ्रैक्स निकाल देंगे मतलब आपका आगाज काफी बढ़िया हुआ है यहां पर बट चलिए एक और स्ट्रियन की बात की जाए उनकी भी बैटल हमें थोड़ी देर के अंदर छिड़ती हुई नजर आ सकती है सामने है यहाँ पर मोवी का वो लाइल अन अभी के लिए आज के दिन में देखा जाए तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दी है इन्होंने मैं प्रीवियस मैच की में बात करूं और चलिए का एक ओम का फटका कह रहे थे कि बोल्ट एक्शन नहीं दिख रही है चलिए उनको शायद लूट लिया होगा उस ड्रॉप को शायद इसी वजह से अब जब आपके पास ओम है तो ऑब्वियस सी बात है अब चलाएंगे ही चलाएंगे और

बिल्कुल सही कहा रेवनडी स्पोर्ट्स अभी के लिए सेंसे बगी छोड़नी पड़ेगी सही समय पे कवर पे जाना पड़ेगा वरना बगी पे कुछ और शॉट्स आए तो शायद दिक्कत में पड़ सकते हैं बट एट द सेम टाइम अभी अभी गेम्सों इंस्टाग्राम पे मुझे एक मैसेज आया जहाँ पे एक भाई ने पूछा था कि मेरा डिवाइस इतना अच्छा नहीं है क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ गाइज डिवाइस डज नॉट मैटर आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे क्रू वॉर्स में बस आप लोगों को अपने स्किल्स दिखाने हैं हाँ। देखिए अगर आप लोग अपने स्किल्स दिखाएंगे इवेंचुअली जाके आपकी सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी मिल जाएगा बट आप लोग सबसे पहली चीज स्टेप नंबर वन आइए डिस्कॉट पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए डिस्कॉट सर्वर हमारा आप ज्वाइन कर दीजिए द रजिस्ट्रेशन आर ऑलरेडी लाइव सो वॉट यू हैव टू डू इस सबसे पहले आप लोग स्टेप नंबर वन मैंने बता दिया स्टेप नंबर टू रजिस्टर कर लीजिए एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी रजिस्टर करेंगे उतना जल्दी आपके स्लॉट कन्फर्मेशन आपको आ जाएगा बिकॉज uh, तीन हजार स्लॉट्स है बहुत कम स्लॉट्स है आप लोगों के लिए और गाइस तीन हजार स्लॉट्स में अगर आपने टाइम लगाया तो शायद आप लोग को ना मिल पाए सो प्लीज फटाफट से आइए रजिस्टर कर लीजिए एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा बिकॉज इंस्टाग्राम का बार बार लिंक हम लोग आपको दे रहे हैं नाइन्टी थाउजेंड फॉलोअर्स पे दस रॉयल पास है हंड्रेड वन लैक फॉलोअर्स पे भी आप लोगों के लिए दस है आर पी बट इसी बीच क्या शानदार स्प्रे दिया

ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक ही ओपन भी ट्राई जरूर करा था बट कोई बात नहीं नाइस एफर्ट बाय टीम और एंगल टेन, लेकिन अभी के लिए जो बीस मोड में बदली है टीम गॉड लाइक रोकना पड़ेगा यहाँ पर देखिए, अभी भी मैं अगर बात करूं टीम मैंने फोर एवर आस ही है उनको पता है लोकेशन कहाँ बेशक को, को, खिलाड़ी नॉकआउट हुए जरूर थे बट सामने चैलेंज अब देखिए निकलना पड़ेगा काफी देर हो चुकी है उनकी वेहकल्स भी काफी हेल्थ पर बहुत कम नजर आ रही है लेकिन कुछ जो हेल्थ बची हुई है एचपी यहाँ पर उनके व्हाकल की तो उसके साथ अब निकल जाना चाहिए एचिस की फाइट अब शायद उसका अवॉइड ही करा जाए तो बेहतर रहेगा लेकिन चलिए निग्बा गैलेक्सी इसी बीच चलेंगी उनकी तरफ भी क्योंकि निग्बा गैलेक्सी ने भी फाइट का एग्जाम यहाँ पर रख दिया है आघाज उन्हें यहाँ पर कर दिया है बट ये जो समय है मेरे ख्याल से आखिरी दस सेकंड जो बचे हुए हैं इस बेटर वो सोच रहे हैं कि जितनी भी लूट यहां से एकत्रित की जा सकती है फर्स्ट एड केस

अगेन गिव अवे की बात कर ही रहे थे हर किसी को गिव अवे पसंद है गेम्सों अगर मुझे मिलता है इनमें से कोई भी आर तो गई मैं आप ही लोगों में से किसी को दे दूंगा डोंट वरी इंस्टाग्राम के थ्रू या लाइव के थ्रू किसी भी थ्रू किसी भी माध्यम से मैं आपको दे दूंगा बट आप लोग खुद के लिए तो जीते गाई नाइन्टी yes. फॉलोअर्स पे दस रॉयल पास मिल रहे हैं एंड साथ ही साथ वन लाख फॉलोअर्स पे भी आपको फर्दर दस पास मिलेंगे तो आ जाइए इंस्टाग्राम पे अब तर स्पोर्ट्स के फटाफट से फॉलो कर दीजिए वही टीम में निगम की बात करें मैक्स काश फ्रैग निकालते हुए मुझे पता नहीं क्योंकि तो इस बार दो तो टीम बड़ा धमाका करेगी लेकिन धमाके तो, की बात ही की थी तो गूंज यहाँ पे दिखा दी है जोरथन इज डाउन एंड जोरथन का रिवाइवल थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ जी गॉड का ब्यूटिफुल ग्रीन ने डायनामाइट डाउन गोस टू प्लेस और एक बार फिर से ग्लाडियटस को सप्रेस कर रहे लेकिन प्लेयर नंबर का ग्रेनेड आता हुआ जी गॉड को टेक डाउन कर दिया है ग्रेनेड इधर है तो ग्रेनेड उधर भी है वहां से भी शॉट्स आते हुए लेकिन गॉड लाइक जॉनथन को अभी के लिए रिवाइवल मिल चुका है बट साथ ही साथ ग्लाडिएटर्स के प्लेयर्स को शट डाउन किया जा रहा है जी गॉड का भी रिवाइवल हो जाएगा गॉड लाइक ई स्पोर्ट इज बैक ऑन देयर फीट

शायद देख ली ओके, ओके, चैलेंज अच्छा वहां पर आने है लेकिन दूसरी तरफ टीम भी ऐसी पहुंच जाएगी यहाँ पर टीम लिखवा गैलेक्सी के काफी नजदीक में लेकिन लेकिन ध्यान देने की बात है तेरा फ्रैग के साथ टीम को ऑर्ड लाइक अभी के लिए बहुत ही ऊपर अभी के लिए नजर आए लेकिन या अपने फेवर पे लेके जाएंगे क्योंकि अभी तक देखिए सर्कल का एक्सेस लेकिन वो जो हाइट एडवांटेज जो चाहिए वो बाकी टीम के पास बनी हुई स्पेशली अगर वीएससी की पर बात करूं लेकिन वी भी कोशिश कर रही है सर्कल के अंदर लेकिन आतंकी वो सोर्स निकलता है ग्रेड का निकाला जरूर है बट अभी भी अभी भी काफी टीम ऐसी है जो नंबर जिनके पास कम है शायद यही वो रीजन है जिसकी वजह से फिलहाल के लिए गॉड लाइक यहाँ पर डोमिनेटिंग मोड में आ चुकी है तो कल के दिन पे भी नियो ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया था आज के दिन पे भी नियो काफी एक्सेप्शनल खेल रहे छह फ्रैक्स खाते में थे बट अनफॉर्चुनेटली फिनिश हो चुके लेकिन ओवरऑल देखिए 14 फ्रैक्स इन दॉकेट स्टिल अलाइव एंड किंग एंड विद ऑल द कॉन्फिडेंस They are the circle. Circle के बहार की है, लेकिन गैलेक्सी के खिलाड़ी आतंकी है, नारू दोनों को शटडाउन कर दिया गया काफी थे अब, तक, लेकिन अब सिर्फ दो खिलाड़ी बचे तो हुए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो कम होगा ही होगा जी गॉड गोज विद्रेड एंड मॉली एट द सेम टाइम लेट्स इसीन और नॉट स्मैक्सी आदि को टेक डाउन कर दिया है for, uh, हमारी टीम, का, लेकिन तो ग्रेनेड लेट्स छठा फ्रैग आएगा या नहीं वहां से भी ग्रेनेड आ रहे हैं मॉली आ रहे हैं एक्सचेंज होता हुआ एक अच्छा खासा चौदह फ्रैग खाते में टीम गॉडलाइक के सामने की तरफ भी हमें खिलाड़ी नजर आते हुए टॉप फाइव टीम्स के बीच में यह बैटल आखिरी ग्यारह खिलाड़ी रोटेशन की जरूरत है आदि को टेक डाउन करके शट डाउन कर दिया गया Almost. लेकिन विकी के पास मौका था स्प्रे फॉलो किया बल सी क्या गॉडलाइक के पास कवर है दे आर बिहाइंड कवर इसीलिए विकी का स्प्रे अभी तो काम नहीं कर पाएगा कुछ

जो होगा देखा जाएगा बट अंदर तो एटलीस्ट वहां पर आ जाएगा बट सर्कल के अंदर फिलहाल के दो टीम एक टीम है फॉर एवर है जो काफी देर से लेकिन बेचारा अब उस तरीके से जिस तरह से पहले हुए थे वैसे ही नॉकआउट होते नजर आ जाएंगे लेकिन टीम निकबा गैलेक्सी इतना इंतजार क्यों ड्रीम्स को छोड़ दिए क्या हुआ है बट अभी के लिए आगे बढ़ जाए क्योंकि स्टेज सिक्स का ये डैमेज जो है पर सेकेंड बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पर दिक्कत में लाएगा और टीम को और के लिए छोटे से में अभी के लिए अपने आपको हाइड करके जरूर बैठी लेकिन अब सामने चैलेंज के लिए कौन सी वो टीम है जी हाँ सामने जहां तक मुझे नजर आ रहा है यहां पर टीम एरिको है जो एक चैलेंजर बन उनके सामने आ सकती है अगर ऐसा होता है तो फिर वो एक ऑब्स्टेकल के रूप में जरूर नजर आएगी लेकिन टीम को फॉर अभी काफी स्प्रेड सी नजर आ रही है तो इसका फायदा शायद होता है टीम गोडा के बाद आ जाए सिचुएशन इज थ्री वी थ्री नाउ बहुत करीब में भी एक खिलाड़ी यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्लच गॉड काफी ओपन में बट सर्कल का एक्सेस अभी दोनों टीम के पास एक एक करके मिला हुआ है यहाँ पर

तीनों खिलाड़ी गॉडलाइक के -like तीनों खिलाड़ी एनिक फॉर एवर के कॉन्फिडेंट है अभी के लिए प्रोन हुए हैं इस प्रोन सिचुएशन में किसको फायदा हो पाएगा दलजीत की पोजीशन भी नहीं पता किसी की भी पोजीशन नहीं पता सब प्रोन हो रखे हैं लेकिन जॉनाथन को आई थिंक सम आइडिया तो लग चुका है बिकॉज स्मोक हुआ है जॉनाथन गोज अप विद द ग्रेनेड एंड वी गो जॉनाथन मैन विद द गोल्डन आर्म

और wow. फाइनली जाके आज के दिन के आखिरी मुकाबले में सील डील कर दिया है और विनर विनर चिकन डिनर निकाल दिया है और अब चैट में गाइज आई नो बहुत भीड़ होने वाली है बट एट द सेम टाइम प्लीज टॉक्सिसिटी मत कीजिएगा गाइज इतना सपोर्ट दिखाई गाइज वो सूखा जो था डे वन से चल रहा था कि गॉड लाइक कहा है डे टू से चल रहा था कि परफॉर्मेंस कहा है डे थ्री में आप कह सकते हैं कि वो चिकन डिनर यहाँ पर आ चुका है और कितने ज्यादा कि 15 प्लस ब्रेकिंग फिनिशेस के साथ टीम एनिकॉर कोशिश काफी अच्छी जरूर थी लेकिन वो एक ग्रेनेड ने पूरा मोमेंटम से शिफ्ट कर दिया क्योंकि जैसे ही वहां पर दलजीत होते नॉकआउट दूसरी तरफ दूसरे खिलाड़ी भी वो एकदम सडन शॉक में हुए और पूरी तरह से आखिरी खिलाड़ी भी कंप्लीट वो ब्लैंक हो गया था कि अब करे तो करे क्या और आखिरी खिलाड़ी जो बचे हुए थे वो भी जोनाथन के द्वारा ही समाप्त वहां पर किए गए बट जो योगदान इसमें देखिए बेशक नियो नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि नियो वहां पर उनका कंफर्मेशन शायद पाँच दस मिनट पहले ही आ गया था बट जो भी है नियो की प्रेजेंस बहुत ही इफेक्टिव नजर आई छह फ्रैक्स उन्होंने भी यहाँ पर निकाले तो उनका योगदान हम बोल नहीं सकते बट जितनी भी टीम्स ने आज का इस बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है

और जो भी पर रूल्स होंगे उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा और हड़बड़ी में मत कीजिएगा रजिस्ट्रेशन बहुत देख धाख कर ही आप कीजिएगा आराम से आपके पास वक्त जरूर है लेकिन हम जरूर बोलेंगे कि इसको आप और जगह भी पहुंचाइए और साथ ही साथ जो हमारा गिव हुए है जितने भी दर्शक देख रहे हैं मेक श्योर अगर आपने नब्बे हजार फॉलोअर्स हमारे इंस्टाग्राम पे कंप्लीट होते हैं तो मैं जरूर चाहूंगा कि वो दस रॉयल पास <laughs> आपको मिल जाए कोई भी लाइक हो सकता है लकी विनर एंड अगर हंड्रेड के अगर हो जाएंगे तो आपको एडिशनल दस मतलब टोटल ट्वेंटी रॉयल पास आप हमसे पूछते थे कब मिलेंगे रॉयल पास गए तो चलिए अब थ्रस आपकी बात सुनता है और आप लोग के लिए ही वो ट्वेंटी रोल पास लेकिन उसके लगाए बस आपको हंड्रेड के ही फॉलोअर्स करने और इतने दर्शक देख रहे हैं मेरे ख्याल से जा सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं आप ई स्पोर्ट्स को आज का दिन

स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स, गॉड्स रेन, ऑल वन, आज के दिन के पांचवें मुकाबले के स्टैंडिंग्स आपके सामने नजर आते हुए काफी अच्छा दिन था बट ये दिन कल के दिन पे आने वाले दिनों में मुझे लगता है और ज्यादा एक्शन के साथ होगा बट सो फार सो गुड मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा जाने से पहले अगर आप लोगों को हमारी कास्टिंग अच्छी लगी कोई भी फीडबैक है प्लीज हमें इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं आप लोग कुछ बात करनी है कुछ बात कहनी है कुछ बात पूछनी है डोंट फोगेट टू शो योर लव एंड सपोर्ट टू अस एज वेल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आई जी अंडस्कोर इनसे नरीना विदमी आया गेम्सो गेम्सो का आप लोगों को पता ही होगा गेम्स ओ टेक वाई सर्च कर सकते हैं मिल ही जाएगा सो डोंगेट टू शो योर लव एंड सपोर्ट टू अस एज वेल एंड जो भी आप फीडबैक देंगे विल ट्राई टू फिक्स इट विल ट्राई टू यूज योर वर्ड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग signing out. Aaj ke din pe, bye bye, have fun and let's catch up on the other side.